हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी बच्चों, कैसे हो सारे? एकदम फिट? 3 दिन बाद 4 दिन बाद आपके पेपर्स हैं, है ना? तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए थोड़ी सी, है ना, कुछ कंपाइलेशन करके बच्चों को चीज़ें दे दी जाए। तो बस उसी प्रोसेस में आज, सबको पता है आज कौन सा टॉपिक है? सबको आइडिया है बच्चों आज कौन सा टॉपिक है? जल्दी से बताओ, आई एम वेटिंग। तो आज हमने क्या किया है? यस यस, वंडरफुल। सो एनसीईआरटी में एक्चुअली है क्या? हमको जब पढ़ना होता है बच्चों, हम जब पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं, तो पढ़ाई शुरू करने के लिए हम थियरी पढ़ते हैं। 11th क्लास में हमने थियरी अपनी स्टार्ट कर दी थी, राइट? थियरी के साथ साथ में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने पैरेलल में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते करते थियरी पढ़ी, फिर पीछे के क्वेश्चंस कर लिए और एमसीक्यूज कर लिए। सिंपल सा प्रोसेस जो ऑल इंडिया के 13 लाख बच्चे ऑलरेडी कर रहे थे, वो हमने भी करना शुरू कर दिया। यही तो किया ना, लाइक 14 लाख बच्चे ऑलरेडी वो प्रोसेस कर रहे हैं और वही हमने भी शुरू कर दिया। क्या हमने क्या किया? हमने थियरी पढ़ी, हमने एमसीक्यू सॉल्व किए, हमने टेस्ट दे दिया बस, और टेस्ट में रैंक आ गई तो खुश भी हो गए, और जब आगे बढ़े तो पुराना भूल गए। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमने क्या किया कि सिर्फ लास्ट एग्जाम को ही फाइनल माना कि उसको याद कर लिया तो पूरे साल का एकदम से याद हो जाएगा। ब्रेन की वर्किंग को हमने कभी समझा नहीं, जबकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो चुके थे। द थिंग इज, इम्पॉर्टेंट जो बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, और मुझे पता है आप में से बहुत से बच्चे काफ़ी अच्छी मेहनत के साथ में एक ही वजह से अच्छा कर पा रहे हैं, सिर्फ एक रीज़न है। रीज़न क्या? हमने चैप्टर पढ़ा, राइट? चैप्टर पढ़ने के बाद हमने उसके एमसीक्यूज किए, और चैप्टर को सिंपल पढ़ा नहीं, चैप्टर की वैरायटीज को देखा, चैप्टर की वैरायटीज, उस चैप्टर में क्या डायग्राम है, सेपरेट पढ़ा। सबको एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, हमारी ब्रेन की कुछ कैपेसिटीज़ हैं, है ना? तो हमने सबसे पहले उसकी थियरी पढ़ी, थियरी जब पढ़ ली तो उसके एग्जाम्पल्स को अलग सेपरेट करके पढ़ा। जब एग्जाम्पल्स अलग से समझ में आ गए हमको, तो हमने उसके सारे डायग्राम्स को समझा। डायग्राम समझ में आ गए बच्चों, तो हमने उसको क्या किया, फ्लो चार्ट में पूरे चैप्टर को कंपाइल करके रिवाइज किया। वो भी समझ में आ गया तो उसमें जितनी भी टेबल्स थी, जितने भी चार्ट्स थे, उनको पढ़ा। और जब इसको कर लिया तो पैरेलल में, यानी कि करने के बाद हमने फुल लेंथ सॉल्व किया। हमें हर बार हमें क्या करना था, हमें हर बार टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने थे, ताकि जैसे ही आगे बढ़े पुराना ना भूले। एक टॉपिक किया, क्वेश्चन किया, फिर टॉपिक किया, फिर क्वेश्चन किया, लाइक दैट। और जब इतनी सारी चीज़ें कर ली तो चैप्टर के एंड में फिर से क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बच्चों, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, कि उसके साथ में आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में आपकी पॉसिबिलिटीज सेलेक्शन की बढ़ जाती हैं। तो थियरी सिर्फ नहीं करना होता, पैरेलल में हमें डायग्राम्स, हमें फ्लो चार्ट्स, हमें उस कंप्लीट चैप्टर का कंपाइलेशन, और फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करते हुए चलना है। ये सिर्फ एक चैप्टर की बात हुई। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर सेम प्रोसेस है, थर्ड चैप्टर फोर्थ सेम प्रोसेस है, फोर्थ चैप्टर सेम प्रोसेस। अब ये एक यूनिट कंप्लीट हो गई ना, तो अब यूनिट वाइज टेस्ट लेना बनता है, यूनिट वाइज टेस्ट लेना बनता है, अदरवाइज आप पुराना भूल जाओगे, ठीक है? तो यूनिट वाइज टेस्ट दिया, तो इस तरह से सिस्टमैटिक फॉर्म में आप लोगों ने चीज़ों को स्टार्ट किया, और ये मेरे सारे बच्चे यहाँ पर सारी चीज़ें सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। और अब जबकि मेन टाइम आ गया है, कब? आपका 13th of this September, आपका फाइनल एग्जाम्स। एंड सॉल्यूट बच्चों, तुम लोगों को सॉल्यूट है कि तुम सारे बच्चे एक ऐसी एडवर्स सिचुएशन में भी एग्जाम देने जा रहे हो, और पूरे मोटिवेशन के साथ। दिस इज कॉल्ड एज मोटिवेशन। मैं तो कहता हूँ तुम लोगों को वीरता चक्र मिलना चाहिए भाई। इस मेंटल कंडीशन में सबके बस की बात नहीं है, हम लोगों को भी एक बार सोचना पड़ेगा, ठीक है? हम लोग कोचिंग ओपन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो एक बार सोचते हैं कि हाँ जी, स्टार्ट करें ना करें, क्या करें। बट नहीं, तुम एक बार भी नहीं, पूरी मेहनत के साथ, जान के साथ लगे हुए हो, राइट? तो बट चलो ठीक है, चीज़ों को सिस्टमेटिक करते हैं। सो चलो तुम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, फिर आगे की कहानियाँ स्टार्ट करेंगे। द थिंग इज, आज जो टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक है एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं वो एक ही जगह पर। तो मैंने कुछ हैंड रिटन फॉर्म में आप लोगों के लिए लिखा है, तुमसे पूछूंगा तुम मुझे आंसर दोगे, फिर हम लोग उस जहां जहां नहीं लिखा होगा उसको फिल करते हुए जाएंगे। तो एग्जैक्टली लाइक जैसे मैं हमेशा करता आया हूं, एकदम वर्कशीट के फॉर्म में हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे, वर्कशीट के फॉर्म में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस चैप्टर से हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स किस चैप्टर से आते हैं, एनी आइडिया? कोई भी बच्चा मुझे बताए, एनी आइडिया, सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स किस चैप्टर से आते हैं, मतलब एग्जाम्पल जहाँ भर भर के हैं।
एनी आइडिया? चलो आई एम वेटिंग, स्टिल वेटिंग बच्चों, स्टिल वेटिंग. सो सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल्स आते हैं, यस, सो आंसर इज वॉट? एनिमल किंगडम से खूब भर भर के क्वेश्चन आते हैं, प्लांट किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भर भर के क्वेश्चन आते हैं. और इसको जिन बच्चों ने भी अच्छे से समझ लिया, कंपाइलेशन के फॉर्म में क्लियर कर लिया, उनकी बात एकदम हो जाएगी डन, उनकी बात हो जाएगी बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल स्मूथ. ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं. एंड यस, मॉर्फोलॉजी ऑल्सो, एनिमल, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, वंडरफुल. सो चलो कहानियों को स्टार्ट करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना? सिस्टमैटिक फॉर्म में. अन अकेडमी पर मुझे फॉलो कर लेना, है ना? अन अकेडमी पर बच्चों मुझे फॉलो कर लेना. दिस इज माई प्रोफाइल, एडी सर, है ना? बाकी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी ही पता है यार, ऑलरेडी सब कुछ पता है, है ना? तो दिस इज माई प्रोफाइल. एंड प्लस पर मेरे कोर्सेज कुछ लॉन्च हो रहे हैं बच्चों, प्लस पर. और 14th ऑफ दिस सितंबर से आई एम गोइंग टू प्लान सम प्लस कोर्सेज, 14th ऑफ सितंबर से, जिसमें मैं, आप लोग ने मुझे, आप ही लोगों से मैंने पूछा तो बच्चों ने बोला सर प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करें, तो आई विल स्टार्ट प्लांट फिजियोलॉजी, है ना? आई विल स्टार्ट प्लांट फिजियोलॉजी फ्रॉम देयर. तो प्लांट फिजियोलॉजी आप लोगों को वहाँ से पढ़ाना शुरू करूँगा, और एक प्रॉपर 2021 के लिए और 2022 के लिए आप लोगों के साथ में जुड़ूंगा, जहाँ पर आप लोगों को डेली लाइव क्लास आपको दूंगा. आप जितने मर्जी उतने क्वेश्चंस पूछने, जो भी डाउट आप लोगों के हैं यू कैन आस्क मी, जितने भी डाउट हैं, जो भी, जितना भी डिस्कशन करना चाहें यू कैन आस्क मी. कुछ लाइव टेस्टिंग और क्विजेज के फॉर्म में भी आप पूछ सकते हैं पैरेलल में, लाइव टेस्टिंग, है ना? तो वहाँ पर आप लोग अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं, है ना? इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली, राइट? साथ साथ में सब कुछ सिस्टमैटिक, हर तीन तीन क्लासेस के बाद आपको एक डाउट सेशन मिल रहा है, और ये सब कुछ सिस्टमैटिक फॉर्म में आपको वहाँ पर मिलेगा. तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक बच्चे के लिए है जो सच में सिस्टमैटिक फॉर्म में पढ़ना चाहता है, चाहे कोरोना की सिचुएशन हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप अच्छी पढ़ाई कर पाओगे, वन थिंग. साथ साथ में अनलिमिटेड एसेस, है ना? अनलिमिटेड एसेस का मतलब क्या हो गया कि आप एक ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसमें अनअकैडमी पर अवेलेबल नीट यूजी में जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, आप सबसे पढ़ सकते हैं. तो सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ में सब कुछ ही एसेस कर सकते हैं जो भी एक पर्टिकुलर नीट यूजी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ठीक? लाइव भी और रिकॉर्डेड भी, लाइव के साथ साथ में रिकॉर्डेड भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी रहेंगी. भाई देखो, एक ऐसी बात है ना कि आप जब अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, तो क्या किया करो, नीट यूजी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया, अपना गोल सेलेक्ट करना है ना सबसे पहले तो. और अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, जो कि फीस शायद बढ़ रही है, कुछ इंक्रीज हो रही है, तो सब्सक्रिप्शन जो लेना है वो जल्दी ही लेना है, वरना इंक्रीज हो जाती है फीस, है ना? नाउ ये फीस इंक्रीज हो रही है ना, 12 मंथ का और 24 मंथ का, आपके पास ये ऑप्शन आएगा. सब्सक्रिप्शन ले लिया, एक सिस्टमैटिक पढ़ाई शुरू कर दी. कोड यूज करना है एटी सर. कोड कौन सा यूज करना है? एटी सर, दिस इज माई कोड. नॉर्मल फीस बच्चों आप लोगों को 30,000 दिखाता है, बट मेरे कोड के साथ में आपको ये 27,000, ये आपकी फीस कितनी हो गई? रिड्यूस हो गई, 10% रिड्यूस हो गई. एक तो ये फायदा, प्लस मेरे तरीके जो मैं प्लस में लगाता हूँ, मेरी बात को समझना बच्चों. मैंने बोला ना आपको, थियरी पढ़ना होता है हमें, थियरी के साथ साथ में क्या करना होता है हमें, उस चीज़ का मगअप करना होता है. सिंपल थियरी और MCQs एक ट्रेडिशनल मैथड है, एक ट्रेडिशनल मैथड है. मेरे कोई भी वीडियोज़ आपको सिंपल ट्रेडिशनल फॉर्म में रेयरली मिलेंगे, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा. वो तो ज़रूर करेंगे, साथ साथ में वैरायटीज लेकर आएंगे ताकि याद जल्दी हो, और जितना अच्छे से याद होगा ना, पॉसिबिलिटी सिलेक्शन की उतनी हो जाएगी. क्योंकि बायोलॉजी है जो 360 में 360 मार्क्स का आता आउट ऑफ 720, 50% वेटेज बायोलॉजी का है. तो साथ में मेरे प्लस के साथ में पढ़ो, कुछ वैरायटीज के साथ में पढ़ो. बायोलॉजी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, बायोलॉजी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ. पढ़ाए हुए कंटेंट में से 330 प्लस का आना तय है. अब वो कितना प्लस जाता है, दैट में भी 340, दैट में भी 350, दैट में भी 360 आउट ऑफ 360, बट इतनी बातें तय हैं. साथ में पढ़ेंगे, और मैं इस चीज़ पर ज़रूर जोर देता हूँ कि बच्चे को साथ के साथ याद करा दिया जाए. शर्त दो है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर, और ईमानदार रहना पड़ेगा. ईमानदार का मतलब, मैंने बोला कल एनिमल किंगडम में जितने एग्जाम्पल्स हैं उनकी एक टेबल मुझे चाहिए, तो अगले दिन जब प्लस की क्लास हो तो आप सबके स्क्रीनशॉट्स उसमें आ जाने चाहिए. इसको बोलते हैं ईमानदारी. आपने बोला छोड़ो कौन क्या कर लेगा, आलस आ गया, तो मैं तो आलस नहीं दिखा रहा हूँ आपके साथ में. 6 बजे 9 बजे रोज़ दो दो क्लासेस आपकी करता हूँ, और आगे भी करता रहूँगा.
बट जो चीज़ें वेराइटीज प्लस में हैं वो पॉसिबिलिटीज मैं प्लस पे ही दे सकता हूँ, राइट? तो एक 12 मंथ का है, एक 24 मंथ की, दो पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। कोड यूज करेंगे कौन सा? एडी सर। इस कोड से आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा एंड बच्चों फीस इंक्रीज होने वाली है, ट्राई करें जल्दी से जल्दी ले लें, है ना। आई नो आपके लाइक नए सेशंस भी शुरू हो चुके हैं, तो नए शुरुआत से हम प्लांट फिजियो से 21 के लिए क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते, 22 के लिए क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते प्लांट फिजियोलॉजी से, तरीके से सिस्टमैटिक, तो दोनों के लिए ही बेनिफिशियल हो गया। और वो सारे टॉपिक पहले उठाऊंगा जो आपको टफ लगते हैं आपसे ही पूछकर, ठीक है। ये आपसे ही पूछकर बनाया गया है प्लांट फिजियोलॉजी का पहला कोर्स, ठीक है। इससे पहले कुछ कोर्सेज हैं बट ये नई सीरीज के साथ में हम लोग चलेंगे, तो चलो कहानियों को सिस्टमैटिक शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों, कहानियों को सिस्टमैटिक यहां पर शुरू करते हैं। अच्छा, जो हमें पढ़ना है आज, जो हमें स्पेशली पढ़ना है वो क्या है, सिंपल से फॉर्म में समझेंगे, एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स हैं, एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स हैं उनकी बातें हम करेंगे, स्पेशली उनकी बातें करेंगे। ध्यान से समझें बच्चों, बहुत ध्यान से समझें, एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं ना, डायग्राम्स कह रहे हैं एग्जाम्पल्स जो हैं ना, वो सारे एग्जाम्पल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आज की जो क्लास है इसमें से मिनिमम यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 5 questions, मिनिमम 5 questions डायरेक्टली फ्रॉम टूडेज क्लास, ओनली टूडेज क्लास। बट प्रॉब्लम यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर वो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे जो बच्चे ने ऑलरेडी कभी पढ़ रखा है और वो याद कर सकते हैं। आज आपके पास डे वाइज 9 हो गई ना, टुडे इज 9, राइट? तो 9, 10, 11, 12, 4 दिन हैं आपको ये पूरी शीट याद करने के लिए, 4 दिन हैं, 4 दिन दे रहा हूँ, और इस पूरी शीट को याद हम डिस्कस करेंगे और ये एक शीट में आपको मिल जाएगी, एक प्रिंट आउट, अगर आपके पास प्रिंटर है तो सिंपल PDF सेंड करूँगा, एक प्रिंटर के फॉर्म में उसको निकाल लिया, और इससे 5 questions मिनिमम आपके इस बार नीट में आने वाले हैं, ठीक। तो 5 questions का मतलब 20 marks, और 20 marks कम नहीं होते बच्चों, ये मैं मिनिमम मार्क्स बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं वेराइटीज़ के साथ में, क्योंकि NCERT में है क्या, कंसेप्ट हैं और एग्जाम्पल्स हैं, यही तो है ना। कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया और आगे भी कराता रहूँगा, एग्जाम्पल्स मैं आज करा रहा हूँ, डायग्राम्स मैंने ऑलरेडी करा दिया, डाटाज मैंने ऑलरेडी करा दिया, तो बचा क्या, तो क्वेश्चन तो उन्हीं में से आना जो मैंने कराए या आपके टीचर्स ने जो कराए, मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। एग्जाम्पल्स का सेपरेट क्लास ये इकलौता है पूरी YouTube पर, किसी भी पब्लिकेशन में सिर्फ एग्जाम्पल की क्लास नहीं हुई है अभी तक, ये पहली क्लास है, तो आप अटेंड कर रहे हो उसको, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं लिविंग वर्ड के फॉर्म में। PDF बच्चों आपको कहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग उठा सकते हैं इसको बड़े प्यार से, डन। चलो भाई चीज़ों को शुरुआत करते हैं सिंपल। आपको लिविंग वर्ड में है ना, मैंगो साइंटिफिक नेम वाइज आपको पता है मैंगीफेरा इंडिका। मैं चाहता हूँ ये 2-way कम्युनिकेशन हो, जहाँ पर आपको डाउट हो आप पूछते जाएँ, अदरवाइज कई चीज़ें सुनकर भी याद होती हैं, बातें समझ पा रहे हैं, और आने वाले भी। ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स डायरेक्टली मैंने लिखे हैं, कुछ मैंने नहीं लिखे हैं और इसकी हेडिंग डाली है, मैं आपसे पूछूंगा, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट आर, वो जो 15-20 मिनट आधे घंटे बाद वो टाइम आएगा, तो तब तक आप उस चीज़ को वेट करें और आंसर दें, अपनी बुक ओपन कर सकते हैं ताकि रिवाइज करते जाएं, ठीक। सबसे पहली चीज़ मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। हाँ जी बच्चों, मैंगो के लिए क्या वर्ड यूज़ किया, मैंगीफेरा इंडिका, सबने सबको पता है यहाँ पर। पोटैटो के लिए, ये NCERT की बातें, सोलेनम ट्यूबेरोसम याद रखेंगे, NCERT के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। नाइट शेड की बात कर रहे हैं, सोलेनम नाइग्रम। टोमेटो की बात कर रहे हैं, है ना, आपको यहाँ पर सारे सोलेनम के ही दिख रहे हैं, देख रहे हैं ब्रिंजल, है ना। अब एनिमल्स में यहाँ पर पैंथेरा 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 लियो पैंथेरा टिग्रिस, है ना, पार्डस, और मॉडर्न मैन होमोसेपियंस, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं याद कर सकते। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा, हर बार 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 क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि जीनस का एग्जाम्पल बताएं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जीनस का एग्जाम्पल बताएं, और जीनस के एग्जाम्पल में आपको क्या बताना है, सोलेनम, और उसके अंदर कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं। ये NCERT की बातें हैं, प्योर, ये प्योर NCERT की बातें हैं बच्चों, इसको स्किप नहीं करेंगे गलती से, और अगर स्किप कर रखा है तो काम हो जाएगा गड़बड़, पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी गड़बड़ बच्चों, राइट? तो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सोलेनम,
पोटैटो टोमैटो ब्रिंजल स्पीसीज की बात कर रहे हैं, दीज आर दी स्पीसीज, ये स्पीसीज मिलकर सोलेनम बनाती, राइट, जीनस बनाती। अच्छा पैंथेरा के अंदर बात करें तो पैंथेरा दैट में बी टिग्रिस, भाई जीनस है ना, तो जीनस में स्पीसीज है, जीनस से और उसमें जाएंगे तो पैंथेरा टिग्रिस की बात कर ली। साथ साथ में लेपर्ड की बात कर रहे हैं, टाइगर की बात कर रहे हैं, तो ये स्पीसीज हैं। तो ये दो एग्जांपल्स आपको दोनों में ही ऊपर से मैंने उठा दिया। अब ये जो हैं ऐसे बहुत सी, आपको पता है ना कि जीनस है ना, लाइक होमो सेपियंस, जीनस और स्पीसीज ऐसी बात कर रहे हैं, तो उन सब से मिलकर जीनस के फॉर्म में मिलकर फिर क्या बनती हैं, फैमिली। और जब मैं फैमिली की बातें करूँ है ना, स्पेशली फैमिली की बातें करूँ, तो फैमिली में हमारे पास सोलेनम, और सोलेनम के अंदर कौन कौन सी जीनस है, सोलेनम पिट्यूनिया धतूरा, ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, सोलेनम पिट्यूनिया एंड धतूरा जीनस हैं ये। आपसे पूछे जाते हैं पिट्यूनिया इज, तो पिट्यूनिया इज अ जीनस, जीनस याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट वन फेलिडेई, तो फेलिडेई की जब बात करें तो फेलिस और पैंथेरा ये दोनों ही इसके अंदर आते हैं, वो जो कैट और ये जो टाइगर वगैरह की बात करें, तो ये आपका एग्जाम्पल है। तो फेलिडेई एक पैंथेरा और फेलिस के फॉर्म में आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा, राइट। चलो जी ऑर्डर की बात कर रहे हैं बच्चों, ऑर्डर, ऑर्डर के एग्जाम्पल में हमारे पास बहुत सी फैमिलीज मिलाकर ऑर्डर बनाती हैं, ये तो आपको पता है, बट एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे कि पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल क्या है, पॉलीमोनियल्स का एग्जाम्पल क्या है, तो आपको ये दोनों ही एग्जाम्पल यहाँ पर देने पड़ेंगे, है ना, ये दोनों ही एग्जाम्पल फैमिली के हैं, तो ये दोनों फैमिली मिलकर ये बना रही हैं, है ना, डन। कार्निवोरा किस फैमिली से बनती है, तो कार्निवोरा तो पहले याद कर लो एक ऑर्डर है बच्चों, और उसके साथ साथ में फेलिडेई और कैनिडेई, ये दो फैमिलीज मिलकर यहां पर काम कर रही हैं, अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो। नेक्स्ट क्लास की बात करें तो क्लास कैसे बनते हैं, तो क्लास हमेशा मैमेलिया है ना, क्लास कैसे मैमेलिया, एंड इस मैमेलिया में दो ऑर्डर्स स्पेशली आपको यहां पर जो एनसीईआरटी में गिवन है वो याद रखने हैं, ठीक, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा, बिल्कुल सिंपल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर की बात करें तो प्राइमेटा एंड कार्निवोरा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डन ना। अगली चीज, और फिर आप लोगों ने कॉर्डेटा का नाम सुना है, उसके अंदर जितने भी कौन से एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, ये सारी फर्दर क्लासेज आ जाती, तो बहुत सी क्लासेज मिलाकर आपका डिवीजन या फाइलम बनाती हैं, और आपको सबको पता है फाइलम हमेशा एनिमल्स में और डिवीजन प्लांट्स में होते हैं, ये वर्ड याद होना चाहिए, ठीक है। चलो जी अगली बात करते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी में आपकी ये टेबल दे रखी है, ये वाली टेबल दे रखी है, मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो एंड वीट, इन चारों के टोटल नाम आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, होमोसेपियंस, मस्का डोमेस्टिका, मैंगीफेरा इंडिका, ट्राइटिका मैस्टिवम, ये चारों नाम साइंटिफिक याद होने चाहिए एग्जाम्पल वाइज। अब आपको इसमें से कुछ भी पूछ लेते हैं, दैट मे बी जीनस, दैट मे बी फैमिली ऑफ मैंगो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, तो ये टेबल आपको रटनी रटनी पड़ेगी, है ना। तो ऑर्डर, तो ये मैं आपको पीडीएफ जब भेजूंगा, क्लास उसमें क्या हो गया, तो डाइकॉट क्लास की बात हो गई, ये मोनोकॉट की बात हो गई, ये दोनों ही चीजें आपको पैरेलल में याद रखनी, दोनों ही चीजें बच्चों आपको पैरेलल में याद रखनी। अच्छा अब देखो बड़ी यूनिक चीज दिखा रहा हूं तुमको, ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगी तुमको, आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो तीन एग्जाम्पल्स सबको पता है, हेलोफाइल्स है ना, तीन एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं बच्चों, कौन कौन सी, हेलोफाइल्स एक, दूसरा कौन सा एग्जाम्पल, दूसरा कौन सा एग्जाम्पल, थर्मो एसिडोफिल्स और मेथेनोजेंस, थर्मो एसिडोफिल्स, क्विक फॉर्म में रिवीजन करते जाओ, क्या याद है, नहीं याद है तो तुरंत बुक में मार्क कर लो, यही तरीका है, बुक ओपन कर लो लिखते जाओ, अदरवाइज पीडीएफ तो दे ही दूंगा, या बुक में मार्क करते जाओ ज्यादा अच्छा। यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। सिर्फ एग्जाम्पल की बातें की जा रही हैं आज, आज सिर्फ एग्जाम्पल की बातें की जा रही हैं बच्चों। अगला, हेट्रोसिस्ट किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है नॉस्टॉक और एनाबेना, नॉस्टॉक एंड एनाबेना, दोनों ही नाम याद रखने हैं। हेट्रोसिस्ट के लिए एनसीईआरटी में सिर्फ यही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया, उसी तरह से आप ट्वेल्थ को ऐड कर लो तब तो एक अलग बात हो गई, बट इस चैप्टर में कॉलरा, टाइफॉइड, टिटनस और सिट्रस कैंकर, इनकी बातें की जा रही है, कॉलरा, टाइफॉइड, टिटनस और सिट्रस कैंकर, इनकी बातें की जा रही हैं स्पेशली,
बातें समझ में आ रही? तो ये चार बातें दी गई हैं, प्लस एडिशनली माइकोप्लाज्मा, जिसमें एक एग्जांपल पीपीएलओ दिया हुआ है। तो बस इससे ज्यादा एग्जांपल और इसमें है नहीं, मोनेरा में आपके सेकंड चैप्टर में, तो ज्यादा एग्जांपल ही नहीं रटने। ठीक, अब प्रोटिस्टा में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? तो क्राइजोफाइट्स में बच्चे सिर्फ दो एग्जांपल, एग्जांपल की बात कर रहा हूं, कंसेप्ट अलग है। डायटम्स, डेस्माइट्स, दो एग्जांपल, बस बात खत्म। डाइनोफ्लैजेलेट्स में आपके पास गोनिलेक्स की बात की गई है, जिसको हम रेड टाइड बोलते हैं, ये याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। और यूग्लिना में यूग्लिनोइड की बात कर ली गई, यूग्लिना में यूग्लिनोइड, और ये एग्जांपल नहीं है स्यूडोपोडिया, इट इज अ टाइप स्यूडोपोडिया, एंड आप लोगों को ऑलरेडी पता है प्लाज्मोडियम और स्यूडोपोडिया के फॉर्म में, तो ये एक स्यूडोपोडिया के बारे में वर्ड दिया हुआ है। हालांकि क्वेश्चन क्या पूछा जाता, प्रोटोजोआ में कौन कौन से एग्जांपल हैं, तो आपके पास यहां पर उसके फर्दर क्लासेस के फॉर्म में बात कर रहे हैं, अमीबा, इंट अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, अगर याद हो, ट्रिपैनोसोमा याद है तुमको या नहीं, हाँ या ना, ट्रिपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा को क्या बोला बच्चे, स्लीपिंग सिकनेस, राइट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीपिंग सिकनेस की बात कर ली। साथ साथ में यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम वही जो मलेरिया कॉज करता है, ये मलेरिया कॉज करता है, आपको पता होना चाहिए, ये मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, डन डन, बस इससे ज्यादा है ही नहीं एग्जांपल, क्यों यार क्यों परेशान हो रहे, इससे ज्यादा है ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहां पर फंगस की बात कर रहे हैं, तो फंजाई में एक सबसे पहली लाइन ही दे रखी है, पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंजाई। यूनिसेलुलर फंजाई के लिए बच्चों क्या दिया है, ईस्ट, सिंपल फॉर्म में चीजें याद रखेंगे। वीट में रस्ट पाउडरी फॉर्म में उसको पूरा फंगस लग जाता है वीट के अंदर, कौन सा, पक्सीनिया। और ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि लाइकेन आर फॉर्म्ड बाय फंजाई एंड एल्गी, फंजाई एंड एल्गी, बातें समझ में आ रही। और माइकोराइजा किसके साथ में, तो आपको पता है जो टेरिडोफाइट्स होते हैं हायर प्लांट्स के फॉर्म में, उनके साथ में एसोसिएट होकर माइकोराइजा बन जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, सर याद नहीं होते फाइकोमायोसिटीज के फॉर्म में जितने एग्जांपल्स हैं, मैं लेकर आया हूं ना, बस ये याद कर लो, बात खत्म। तीन एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में, सिर्फ तीन एग्जांपल्स, म्यूकर, राइजोपस, एल्बिगो। अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे एग्जाम में, ब्रेड मोल्ड इज कॉमनली नोन एज, तो राइजोपस। मस्टर्ड पैरासाइट कौन सा है, एल्ब्यूगो, बात खत्म। तो ये तीन एग्जांपल फाइकोमायोसिटीज में टिप्स पर याद कर लो, इससे ज्यादा है ही नहीं, इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं, मैंने इसको समराइज कर दिया, तुम्हारा टाइम बचा दिया और तुम्हारे लिए चीजें सिंपल फॉर्म में कर दी। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट यूनिट में सबसे ज्यादा एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, फिर मॉर्फोलॉजी में एग्जांपल हैं, बस बाकी सब जगह छुटपुट छुटपुट एग्जांपल्स हैं, वो तुमको ऑलरेडी याद हैं, और ट्वेल्थ तुमको ऑलरेडी पता है, ट्वेल्थ वाले तुमको सारे पता है, तो उसमें हमें परेशान होना ही नहीं, उसमें हमें परेशान होना ही नहीं। मेरा मेन टारगेट आज का क्या रहेगा, इलेवंथ के सारे एग्जांपल्स आप लोगों को एक बार क्विक फॉर्म में दिखा दूं, बातें समझ पा रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंग चीज, आपके जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो एग्जांपल्स हैं, वो तो मेन कंसेप्ट है ना, वहां पर तो मेन कंसेप्ट है, जो असली दिमाग लगता है वो फर्स्ट यूनिट में लगता है, और ये मॉर्फोलॉजी वाले पूरी उसमें, और ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, तो इन तीन यूनिट में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसकी सारी समरी मैं लेकर आया हूं, इसको ध्यान से सुन लेना और इस पीडीएफ को रट लेना, बस इतना सा कर लेना, कुछ करो ना करो, इधर उधर करो, इसको जरूर रट लेना, पांच क्वेश्चन तुम्हारे डन हो जाएंगे। फाइकोमायोसिटीज में म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो, बात समझ में आ रहे हैं, बात समझ में आ रहे हैं, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो, तीन, कंफ्यूज नहीं होना, ये बड़ी बड़ी थियरी, इसको अलग से याद कर लेना, पीडीएफ अभी मिल जाएगी आपको, कहां, टेलीग्राम पर, ठीक है ना बच्चों, टेलीग्राम पर, ठीक। चलो भाई, एस्कोमायोसिटीज, जिसको सैक फंजाई बोल रहे हैं बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यूनिसेलुलर फंगस की बात करें, तो यूनिसेलुलर फंगस कौन कौन से हैं बच्चों, तो ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस के फॉर्म में जो बोलते हैं, और मल्टी सेलुलर में सीधी सी लाइन दे रखी है पेनिसिलियम, क्या वर्ड यूज किया, पेनिसिलियम, सारे बच्चे बातें समझ में आ रहे हैं। साथ साथ में पांच ऑप्शन हैं यहां पर, पांच एग्जांपल्स हैं, पूछा कौन सा इसमें एस्कोमाइसिटीज है, एस्कस फॉर्म करता है ना, तो एस्कोमाइसिटीज में एक नाम एस्पर्जिलस, क्लाविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स, ट्रफल्स, न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक वर्क में यूज करते हैं, और मॉरल्स एंड ट्रफल्स को हम खा सकते हैं एडिबल, तो एडिबल एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल बताएं, तो क्यों परेशान हो रहे हो, उठाकर ये शीट रट नहीं सकते क्या, और ट्रस्ट मी ये 20 पेज की शीट है,
और तुमको मुश्किल से 3 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे और रट जाएगी ये सारी चीजें। तो एग्जाम्पल से टेंशन खत्म, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, ट्वेल्थ के एग्जाम्पल्स तो तुमको बहुत ज्यादा है ही नहीं, तो वो तुमको खुद से याद करने, जो टफ वाले थे मैं उठाकर लेकर आ गया, समझ रहे हो? एस्कोमायसिटीज, सैक, फंजाई, एग्जाम्पल्स में ईस्ट, पेनिसिलियम है ना, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स, ट्रफल्स, मेरे साथ में बोल सकते हो, ईस्ट जो सैक्रोमाइसिस के फॉर्म में, पेनिसिलियम 2, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स, ट्रफल्स। हालांकि मैं चाहता तो बगल में शॉर्ट ट्रिक बता देता, लेकिन शॉर्ट ट्रिक याद करने का टाइम नहीं है, बैठ के ऐसे याद करना, डन है। बैसिडोमाइसिटीज में सिर्फ यही एग्जाम्पल है बच्चे, और कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। हाँ जी, समझ रहे हो मेरी बातें? बैसिडोमाइसिटीज में कोई और एग्जाम्पल ही नहीं बच्चों। मशरूम की बात कर लें, है ना, या फिर ब्रैकेट फंजाई जिसको पफ बॉल बोलते हो आप लोग, है ना, पफ बॉल बोलते हो, डन। चलो जी, उस्टिलैगो, स्मट, है ना, स्मट फंजाई, बैसिडोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। आज का टॉपिक बच्चों डाटा नहीं है, आज का टॉपिक सिर्फ एग्जाम्पल है, समझ रहे हो मेरी बात? आप सोचो सर ईयर तो लिखा नहीं, वो एग्जाम्पल नहीं बेटा, वो डाटा है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एग्जाम्पल लाया हूँ। ये पीडीएफ अभी बच्चों को मैं अपने सारे टेलीग्राम पर भेज दूंगा, जाकर चुपचाप डाउनलोड करके उसको उठाकर प्रिंट कर सकते हो तो ठीक, वरना लैपटॉप या मोबाइल में खोलकर पढ़ डालना, रट डालना। ट्राई करो कि प्रिंट कर लेना, लाइक 15-20 रुपये लग जाएंगे तुम्हारे, बट चलने दो, है ना, चलने दो। बातें समझ पा रहे हो? तो 15-20 रुपये में प्रिंट करके खटाखट उसको याद कर डाला, भाई को दिया, सिस्टर को दिया, बोला एक बार सुन ले, या दोस्त को दिया, उसने सुनना, तुमने 2-3 घंटे लगाकर याद कर लिए और उससे सुनवा लिया, काम खत्म, एक टेंशन खत्म बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज पक्सीनिया, रस्ट फंजाई, एनसीईआरटी के लाइन, कुछ भी फालतू की बातें नहीं, प्योर एनसीईआरटी, सब कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड। ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल सिर्फ 3 दे रखा है एनसीईआरटी ने, ऐसे ही परेशान हुए जा रहे हैं। फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों है, वो कंसेप्ट हो गया, क्योंकि ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, बट एग्जाम्पल कौन से हैं? एग्जाम्पल अल्टरनेरिया सोलानी, है ना। तो ये 3 आपके एग्जाम्पल्स के फॉर्म है, 3 एग्जाम्पल याद कर लो। बातें समझ पा रहे? कॉलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा अल्टरनेरिया सोलानी, 3 के अलावा कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात? एंड भाई साहब, बैक्टीरिया पूरे डिजीज चैप्टर में फैला हुआ है, वायरस पूरे डिजीज चैप्टर में फैला हुआ है, तो वहां से पढ़ लो। आपकी एनसीईआरटी में वायरॉइड के लिए एक डिजीज दी हुई है, उसको याद कर लेंगे। वायरॉइड के लिए एक डिजीज दी हुई है, उसको याद कर लेंगे। पोटैटो स्पिंडल डिजीज, बच्चों बातें समझ में आ रही? पोटैटो स्पिंडल डिजीज, सिर्फ एनसीईआरटी की बात करेंगे, फालतू की बातें अब नहीं पढ़ेंगे। अब सिर्फ 3 दिन है, अब सिर्फ 3 दिन है बच्चों, बातों को समझना। लाइकन्स अपने आप में एग्जाम्पल है, पॉल्यूशन इंडिकेटर कौन सा है एग्जाम्पल अगर पूछ लें तो आपको बताना है लाइकन्स। बाकी इससे कौन से क्वेश्चन आते हैं आपको ऑलरेडी पता है भाई साहब, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बस इससे ज्यादा कोई एग्जाम्पल नहीं, समझ रहे हो? इतने एग्जाम्पल कर लिए तो याद हो गई। हालांकि पढ़ना जरूर है एनसीईआरटी, आपके पास हैं अभी 9, 10, 11, 12, 4 दिन नहीं तो 3 दिन तो है पूरे पूरे। तो एक क्विक रीडिंग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, जो जो टॉपिक्स थोड़े से लग रहे हैं कि एक बार दोबारा पढ़ लूँ। पढ़ना सिर्फ एनसीईआरटी या सिर्फ नोट्स हैं बच्चों, कुछ भी फालतू की चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। प्लांट किंगडम आ गया इतनी जल्दी, प्लांट किंगडम आ गया इतनी जल्दी, बहुत ईजी। प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं, आगे तुमसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। एल्गी में यूनिसेलुलर एल्गी का नाम एनसीईआरटी में क्या दिया है? क्लेमाइडोमोनास, बस। कॉलोनियल एल्गी का नाम क्या दिया है? वॉल्वॉक्स, बस। फिलामेंटस में यहां पर 2 एग्जाम्पल्स हैं, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। क्या ये शीट मिल जाए तो काम बनेगा, हाँ या ना? ईमानदारी से बताओ, जो भी थोड़े बहुत बच्चे हो, आई नो मैक्सिमम बच्चे पढ़ रहे होंगे इस टाइम, बट मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर पाऊं, तो कोई बात नहीं, है ना, पीडीएफ तो मिली जाएगी, बच्चे ग्रुप में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, है ना, तो सबकी हेल्प हो जाएगी। तो फिलामेंटस फॉर्म में यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, राइट। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछते हैं, आइसोगैमस मतलब सेम टाइप के जो गैमीट आपस में फ्यूज हो जाएं, और उसमें भी फ्लैजिलेटेड किस, विच क्वेश्चन कैसे आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस एल्गी, फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस एल्गी का एग्जांपल बताओ, यहीं से तो क्वेश्चन आते हैं। आंसर जाएगा क्लेमाइडोमोनास, एनसीईआरटी में सीधा लिखा, मेरे नोट्स में सीधा लिखा, तो मेरी पेन, मेरे नोट्स, मेरी कॉपी, सब आपके लिए, जो कुछ भी मेरे पास सब तुम्हारा, सिलेक्शन लेकर आना है, कुछ भी जरूरत है मुझे बताओ,
ठीक, चलो भाई। नॉन मोटाइल में बच्चों, नॉन मोटाइल की बात कर रहे हैं, तो नॉन मोटाइल में हमारे पास व्हाट, स्पाइरोगायरा, आइसोगैमस भी है, नॉन मोटाइल भी है, ठीक, एन आइसोगैमस, एक अलग है एक अलग है, दोनों गैमिट्स अलग अलग शेप में, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। क्लेमाइडोमोनास सर ऊपर भी था, नहीं वो अलग स्पीसीज थी, ये अलग स्पीसीज है। क्लेमाइडोमोनास आइसोगैमस एन आइसोगैमस ओगैमस तीनों ही अलग अलग स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है क्लेमाइडोमोनास, राइट। नेक्स्ट ओगैमस, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, दो एग्जाम्पल बस, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस सिर्फ दो एग्जाम्पल बच्चों, सिर्फ और सिर्फ दो एग्जाम्पल। आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसी कौन सी एल्गी है जो मैराइन है और एज ए फूड यूज कर सकते हैं, पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गासम। क्या क्या? पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गासम। अभी थोड़ी देर में तुमसे भी क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा, डन है। दूसरा, ग्रोथ मीडिया में कौन सी एल्गी यूज करते हैं, तो जिलीडियम और ग्रासिलेरिया, सबको पता है जिलीडियम एंड ग्रासिलेरिया, सारे बच्चों को यह चीज बिल्कुल क्लियर है। और वाटर होल्डिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है ना, क्योंकि ब्राउन एल्गी के फॉर्म में एक एल्जिन प्रोड्यूस करता है और कैराजिन प्रोड्यूस करता है, तो इसके अंदर वाटर होल्डिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। बातें समझ में आ रही, तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। अगली बात कर रहे हैं, प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी का नाम बताएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन, SCP, कहां पर 12 से कनेक्ट कर सकते हैं, तो क्लोरेला और स्पाइरोगायरा, क्लोरेला और स्पाइरोगायरा, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं, दो ही एग्जाम्पल, ठीक। ऐसे ऐसे करके सारों को याद कर लो। एंड बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है कि ये काम तुम भी करो, एक क्विक राउंड में मेरी शीट ले लो, प्रिंट आउट निकाल लो, और उसमें कुछ कुछ चीजें अगर रहती हैं, तुमको लगता है यहां पर ये चीज भी लिख लूं पैरेलल में तो मुझे अच्छा याद होगा, तो इसी का प्रिंट आउट कर लो, 20 पेज हैं, 20 पेज क्विक फॉर्म में याद हो जाएंगे। मैं चाहता हूं तुम भी अपने एफर्ट लगाओ, और मुश्किल से 2-3 घंटे का एफर्ट, और एग्जाम्पल्स से कन्फर्म, एक चीज बता रहा हूं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 5 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा कुछ कितने भी हो सकते हैं, लाइक 10, 12, 15, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं ना। बातें समझ में आ रही, और हम एग्जाम के बाद एनालिसिस भी करेंगे, नीट प्रो पर आ जाना, मैं तुरंत विद इन 1 आवर है ना आप लोगों को एनालिसिस मिल जाऊं, जैसे ही मेरे पास पेपर आएगा तुरंत लाइव एनालिसिस करूंगा, देख पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर देखा, तुरंत आ जाऊंगा तुम्हारे पास लाइव नीट प्रो चैनल पर, तो एनालिसिस भी करेंगे, और वहां ये सारी चार चीजें दोबारा डिस्कस करूंगा कि जो भाई साहब कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली इसमें से आए, पढ़ना तुमको है, पढ़ना तुमको है, ठीक। नेक्स्ट वन इज व्हाट, क्लोरोफाइसी, नेक्स्ट वन इज व्हाट, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं, सिर्फ 5 एग्जाम्पल हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 5 एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतने है ना। बातें समझ में आ रही, बातें समझ में आ रही, सिंपल सिंपल से फॉर्म में आपको ये चीजें टिप्स पर याद होनी चाहिए। क्लेमाइडोमोनास में सिर्फ 5 एग्जाम्पल भाई साहब, सिर्फ 5, और आपको कुछ नहीं देखना, एनसीईआरटी फिर भी उठाएंगे, एक बार देखेंगे, और कुछ कुछ चीजें अगर तुमको लगती हैं कि ये भी ऐड कर लेता हूं मैं, क्योंकि जगह काफी मैंने छोड़ी हुई है, ऐड कर लेना बच्चों, तुम्हारे बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे पैरेलल में, जो रटने वाली चीजें, ठीक। ब्राउन एल्गी की बात करें, ब्राउन एल्गी में अगर मैं कभी पूछ लूं फिलामेंटस एल्गी, आपका नीट का एग्जामिनेशन फिलामेंटस एल्गी की बात कर ले, तो क्या रखेंगे, एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम, सार्गासोसी, याद होगा ना वो बहुत दूर तक फैला हुआ था है ना, कैल्प बोला करते थे, और फ्यूकस। तो ये अगेन सिर्फ 5 एग्जाम्पल, तो 5 एग्जाम्पल से ज्यादा अगर पढ़ रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेमोरी वेस्ट कर रहे हो बेवजह, हालांकि मेमोरी कोई वेस्ट नहीं होती, वो हेल्प करेगा, लेकिन अब मत पढ़ो, अब मत पढ़ो उसको, बस ये एनसीईआरटी की बातें याद करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी की बातें याद करेंगे, ठीक है बच्चों। रोडोफाइसी, रेड एल्गी, सिर्फ 4 एग्जाम्पल है ना, जिसमें से तो ये दोनों भाई साहब क्या बनाते थे, अगार अगार, याद आ रहा है, अगार अगार, बहुत 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 सिंपल। क्या तुमको टफ लग रहा है ये? हाँ जी, ये टफ है या याद हो जाएगा? कितनी देर में याद कर सकते हो अगर ऐसे तुमको सारे 20 पेजेस दे दूं तो? कितनी देर में ये सारी चीजें याद हो सकती हैं? क्या 3-4 घंटे में याद कर, 3-4 घंटे में याद कर सकते हो? या बहुत टफ है सर? नहीं, नॉट पॉसिबल। सो पॉसिबल है, यस, है ना, तो याद कर लो, आज के आज में खत्म करो इस टेंशन को। पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया और जिलीडियम,
ग्रासी मीरा और छोटे छोटे तो हैं रोडो, भाई रोडोफाइसी के चार एग्जाम्पल, ये ज़्यादा हैं क्या? और एक जगह है, सारे एग्जाम्पल्स एक जगह, और क्या चाहिए बच्चों? मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बना दिए, मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बना दिए, ठीक है? तो चीज़ें तुमको याद रखनी, चीज़ें तुमको याद रखनी, पैरेलल में याद रखनी, ठीक? चलो भाई बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। किसकी? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में बच्चे देख रहे हो, लीवर वॉर्ट में एक मर्चेंशिया, मॉस में फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और क्या, स्फैग्नम। बस जो है इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक? तो यहां ब्रायोफाइटा में आपको लीवर, लीवर वॉट, ठीक, लीवर वॉट आपको पता ही है। हॉर्न वॉट आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ बच्चे हॉर्न वॉट पढ़े जा रहे हैं, अब मत पढ़ो, जो पढ़ लिया पहले पढ़ लिया, इलेवंथ में पढ़ना था जब कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा था, अब मत पढ़ो। मॉसेस में फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम, क्या पॉसिबल? इजीली याद हो जाएंगे, बस इससे ज्यादा है ही नहीं, इससे ज्यादा है ही नहीं बच्चे, राइट? अगली बात, टेरिडोफाइटा, कॉमनली नोन एज क्या, हॉर्स टेल या फिर फर्न्स। तो दो एग्जाम्पल तो यही हो गए, हॉर्स टेल और फर्न्स किसके एग्जाम्पल हैं, ठीक? ये हिट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। किसमें छोटी लीफ होती हैं उनको बोलते हैं माइक्रोफिल्स, किसमें बड़ी बड़ी लीफ होती हैं उसको बोलते हैं मैक्रोफिल्स, ठीक? तो सिलाजिनेला में छोटी छोटी झाड़ियों टाइप की लीफ होती हैं, तो उसका एग्जाम्पल, माइक्रोफिल का एग्जाम्पल पूछ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन में आपको मिलेगा सिलाजिनेला, कोई भी और एग्जाम्पल देखना ही नहीं है, सिर्फ टिक कर देना है। ये फायदा है एनसीईआरटी का, अगर एनसीईआरटी पक्की तो आप कंफ्यूज नहीं होते बच्चों, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होते। एक फंस मैक्रोफिलस का एग्जाम्पल है, किसका? मैक्रोफिलस का एग्जाम्पल है, बातें समझ पा रहे हैं? बड़ी लीफ होती है बच्चों, इसमें फंस में क्या होती है, बड़ी लीफ, डन ना? दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, किसमें होमोस्पोरस है, किसमें हेटरोस्पोरस है? तो हेटरोस्पोरस के दो एग्जाम्पल, एक्सेप्शंस हैं ये, नॉर्मली होमोस्पोरस, एक्सेप्शंस में दो एग्जाम्पल हेटरोस्पोरस, दो अलग अलग शेप के स्पोर्स अलग अलग फॉर्म में आए और फ्यूज हुए, ऐसा कुछ जर्मिनेट कर गए। तो सिलाजिनेला और सेल्विनिया दो एग्जाम्पल हैं हेटरोस्पोरस के, जो आपको स्पेशली याद रख लेने, जो आपको डायरेक्टली याद रख लेने हैं बच्चों, डायरेक्टली। और जो काम की चीज है, यहां पर चार क्लासेस हैं, है ना, आपको क्लासेस पूछ सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट है ये क्लासेस में, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बच्चों की। फोर क्लासेस में सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा और टेरोप्सीडा, चार क्लासेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ साइलोप्सीडा या नॉट अ क्लास ऑफ टेरिडोफाइटा, ऐसा पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, साइलोप्सीडा इज डैश क्लास जीनस फाइलम ऑफ टेरिडोफाइटा, चार ऑप्शन दे दिया, तो इट इज़ अ क्लास। देखो उसको तुमको समझना है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मेरी बातें समझ रहे हो सारे बच्चे, मेरी बातें समझ रहे हो? ये तुमको देखना है, ये तुमको देखना है कि तुम कैसे याद करते हो। मैं एक सिंपल फॉर्म में ये 20 पेज की शीट आपको अभी भेज रहा हूँ, आफ्टर दिस क्लास, जस्ट आफ्टर दिस क्लास। साइलोप्सीडा का एक एग्जाम्पल साइलोटम, बात समझ पा रहे, एक बात। दूसरी चीज लाइकोप्सीडा का दूसरा एग्जाम्पल सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम, दो एग्जाम्पल हैं बच्चों, सिलाजिनेला लाइकोप्सीडा है और लाइकोपोडियम, दो एग्जाम्पल। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल तुमको पैरेलल में टिप्स पर याद होने चाहिए, तब काम बनेगा, तभी काम बनेगा, वरना काम बनेगा नहीं। स्फिनोप्सीडा में 21 एटम है ना, स्फिनोप्सीडा में क्या, 21 एटम, सारे बच्चे डन। स्फिनोप्सीडा 21 एटम, स्फिनोप्सीडा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और टेरोप्सीडा में बच्चों ड्रायोप्टेरिस और टेरिस और एडियंटम, तीन एग्जाम्पल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरोप्सीडा, और आपको दे दिया क्या, 21 एटम उसमें ऑप्शन दे दिया, तो आपको टिक लगाना है कि इन तीन के अलावा कौन सा है। हाँ जी, इन तीन के अलावा है ना, इन तीन के अलावा कौन सा, बातें समझ में आ रही? वेरी सिंपल, ईजी, आसान। हाँ जी, जिम्नोस्पर्म, कुछ भी नहीं दिया भाई साहब, पाइनस फंगस के साथ में मिलाकर माइकोराइजा बना लेता है, साइकस के अंदर कोरलॉइड रूट्स होते हैं, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, किसका स्टेम अनब्रांच्ड है, साइकस, और किसका स्टेम ब्रांच्ड है, तो पाइनस और सिड्रस,
किसका स्टेम ट्री अगर ऐसा आ गया, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है, तो आपको आंसर क्या देना है? पाइनस। और डिफरेंट ट्री में साइकस, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है ना 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच पॉइंट के अलावा कोई एग्जाम्पल और है ही नहीं, कोई भी एग्जाम्पल नहीं। तो साइकस, पाइनस और सिड्रस, क्या क्या? साइकस, पाइनस और सिड्रस, ये तीन ही नाम दे रखे हैं एग्जाम्पल वाइज। हाँ, उनकी वैरायटीज अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती हैं, ये तुमको देखना है कि तुम कैसे याद कर रहे हो। अभी तुमसे भी क्वेश्चन पूछूंगा, बस 5 मिनट दो मुझे, इसी एनिमल किंगडम में अभी स्टार्ट करूंगा तुमसे क्वेश्चन पूछना, तो मजा आएगा कि तुमको कितना याद है, इसी बहाने एक प्रैक्टिस हो जाएगी। माइक्रोस्पोरिक एंजियोस्पर्म, नेम वन माइक्रोस्पोरिक एंजियोस्पर्म, आंसर क्या टिक करना है? वोल्फिया। मेरे वर्ड को सुन लो बच्चों, आज यही आने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी कवर कर लिया। अंतर्यामी तो हूं नहीं, ना ओवर कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन एनसीईआरटी को पूरी कवर कर रहा हूं, दिस इज द मेथड, तो यही सारी चीजें डायरेक्टली आएंगी। अच्छा जी, बात कर रहे हैं किसकी? यूकेलिप्टस की लेंथ पूछ ली, ये भी याद रखनी है। तो आपके एंजियोस्पर्म में दो ही एग्जाम्पल बाकी, आपको सबको पता है, मॉर्फोलॉजी में आपने सब कुछ पढ़ रखा है। नाउ मॉर्फोलॉजी तो एग्जाम्पल से जो भरा है वो तो है ही एंजियोस्पर्म में, बट एंजियोस्पर्म वाले पार्ट से सिर्फ ये दो पार्ट आए, दो क्वेश्चन। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते थे, तो मैंने क्या किया, इसको एग्जाम्पल में डाल दिया। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें मिलती है? एल्गी, और वो भी वॉल्वॉक्स, पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। ठीक, एक बात, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जितने भी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है बच्चों, जितने भी जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, उनके अंदर क्या? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोइड और डिप्लॉन्टिक के फॉर्म में, तो ब्रायोफाइटा, हाँ जी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आपको यहां पर याद होगा, सिंपल फॉर्म में ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इजी। एंड मजा आएगा एनिमल किंगडम में बच्चों, एनिमल किंगडम में बढ़िया वाला मजा आने वाला। रीजन क्या? एनिमल किंगडम में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, और सबसे ज्यादा एग्जांपल्स यहीं पर बच्चे परेशान होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन वाइज चीजें आ जाती है ना। तो कहानी को समझें, कहानी को बहुत बहुत ध्यान से समझें सारे बच्चे, है ना। तो सारे बच्चे इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। एनिमल किंगडम में सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें किसमें बच्चों? तो पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल किसकी बात की गई है? नीडेरिया और टीनोफोरा। और सबसे मजा तब आएगा जब आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आप सारे बच्चे इसको सिंपल फॉर्म में याद कर डालो, ठीक है। ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो प्लाटी हेलमेंथीस से लेकर कॉर्डेटा तक सब, ये एनसीईआरटी में लिखा है, उसी की बातें हम कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा और उसी की बातें हम कर रहे हैं बच्चों, ठीक। एक अगली बात करें, अगली बात इसी में करें, सिंपल फॉर्म में। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें? नीडेरिया और प्लाटी हेलमेंथीस, दो नाम याद कर लो, नीडेरिया और व्हाट? प्लाटी हेलमेंथीस, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इजी। एसिमेट्रिकल बॉडीज के फॉर्म में जब बात करें, एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं है, तो पॉरीफेरेंस और स्नेल, दो नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, दो नाम, पॉरीफेरा और स्नेल्स, वो ट्विस्टेड फॉर्म में टॉर्सन बोलते हैं वर्ड। सिमेट्री की बात करें तो रेडियल कुछ कुछ पॉरीफेरेंस में होती हैं, बाकी तो नीडेरियंस में होती हैं, राइट। टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा जो एडल्ट हैं, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में, रेडियल फॉर्म में ना, स्टारफिश आप लोगों ने देखी है ऐसे करके। बायलेटरल सिमेट्री में प्लाटी हेलमेंथी से लेकर कॉर्डेटा तक सब कुछ, प्लाटी हेलमेंथी से लेकर कॉर्डेटा सब कुछ। डिप्लोब्लास्टिक की बात करें बच्चों, तो डिप्लोब्लास्टिक में जो दो जर्म लेयर से बनी है, ये दो तीन नाम याद रखने होंगे, पॉरीफेरा, नीडेरिया और टीनोफोरा, पॉरीफेरा, नीडेरिया और टीनोफोरा, डन। इसमें तुम्हारा भी एफर्ट लगेगा जब तुम इसको फिल करोगे, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल, तो प्लाटी हेलमेंथीस से लेकर कॉर्डेटा तक सारे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एसिलोमेट पूछ लें तो पॉरीफेरा से प्लाटी हेलमेंथीस तक सारे ही बिना किसी सिलोम के, सीडोसिलोमेट सिर्फ एक है, एग्जाम्पल में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीडोसिलोमेट, आंसर में सिर्फ और सिर्फ एस की हेलमेंथीस लगाएंगे, एस की हेलमेंथीस। सिलोमेट की बात करें तो एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक, सिलोमेट की बात करें तो एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक। मेटामेरिज्म की बात करें तो किसमें मेटामेरिज्म? मतलब रिपीटेड सीक्वेंस, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना, रिपीटेड सीक्वेंस, तो एनिलिडा जो आर्थ्रोपोडा वगैरह में, और है ना, और अर्थवॉर्म में, तो दो में, एनिलिडा अर्थवॉर्म और स्पेशली जैसे आपको इसमें मिल रहे हैं, ये अर्थवॉर्म में। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि
दो तरह की चीजें मिलती हैं, एक पॉलिप स्ट्रक्चर है और एक मेडूसा, एक सेसाइल है और एक फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग में मेडूसा है ना। बातें समझ में आ रही, बातें समझ में आ रही। तो मेडूसा में ऑरेलिया, जेलीफिश जिसको बोल रहे हैं, और पॉलिप में हाइड्रा एडम्शिया। पॉलिप मतलब फिक्स्ड है वो, और मेडूसा मतलब फ्री लिविंग, फ्री लिविंग इधर से उधर, मतलब वो जो है फ्री स्विमिंग फॉर्म में, फ्री स्विमिंग फॉर्म में इधर से उधर स्विम कर रहे हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये पॉलिप और मेडूसा में चेंज, एक जनरेशन में पॉलिप बनाता है, अगले जनरेशन में मेडूसा। एक ही एग्जाम्पल दिया है ओबेलिया, एक ही एग्जाम्पल दिया बच्चों, क्या ओबेलिया, बहुत ही सिंपल। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पॉरीफेरा के तीन एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी में, बस तीन ही याद करने, साइकॉन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। क्या साइकॉन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया, तीनों का कॉमन नेम आपको याद रखना है, तीनों का पैरेलल में बच्चों कॉमन नेम आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसी तरह से निडेरिया में आपके पास सिर्फ ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया। फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, क्या पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, बहुत ही सिंपल। एडम्शिया को बोलते हैं सी एनिमन, एडम्शिया को बच्चों क्या बोल रहे हैं, सी एनिमन। पिनाट्यूला को सी पेन बोलते हैं, याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, और नहीं याद करके जाते हो तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आप चैप्टर छोड़कर जा रहे हो, सर ये नहीं आता, ये नहीं सोचेंगे बच्चों, ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे, हर चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, गॉर्गोनिया सी फैन, यस सी फैन, और ब्रेन कोरल्स मिनरीना, मिनरीना, ब्रेन कोरल्स, बातें समझ में आ रही, ब्रेन कोरल्स। अच्छा अगली बात, जो टीनोफोरा है उसमें सिर्फ दो ही एग्जाम्पल हैं जिसमें वो बायोल्यूमिनेंस वाली प्रॉपर्टी थी, आपको याद है टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैकिया, वो गोलसा और उसमें ऐसे ऐसे कॉम्प्लेट्स वगैरह लगे हुए थे और ऐसे ऐसा उसमें लगा हुआ था, याद है, तो वो दो ही एग्जाम्पल हैं, बस वही याद रखने आपको। प्लैटीहेलमिंथीज में टीनिया सोलियम, फैसियोला प्लैनेरिया, तीन एग्जाम्पल याद रखने। टीनिया सोलियम को टेप वॉर्म बोलते हैं, फैसियोला को लीवर फ्लूक बोलते हैं, और प्लैनेरिया को हाई रीजनरेशन के फॉर्म में याद रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई रीजनरेशन होती है। प्लैनेरिया फ्लैट वॉर्म, कॉमनली नोन एज व्हाट, फ्लैट वॉर्म। बातें समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही हैं। अच्छा जी, अगली बात करें इसमें पैरेलल में बच्चों, सिंपल सिंपल से फॉर्म में छोटी छोटी सी चीज़ें तुमसे पूछ रहा हूँ, तो पैरेलल में बस बताते रहना, है ना, पैरेलल में बस बताते रहना। एस्कैरिस की बात यहाँ पर कर ली, हाँ जी बच्चों, एस्कैरिस की बात पैरेलल में कर ली, दिख रहा है। एस्कैरिस का कॉमन नेम क्या है, आप राउंड वॉर्म बोल सकते हो। एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म, वाउचेरिया फाइलेरियल वॉर्म, बस तीन एग्जाम्पल, और कुछ नहीं पूछना, और पूछना ही नहीं, याद ही नहीं रखना, कुछ है ही नहीं कुछ, तो ये तीन बातें। उसी तरह एनिलीडा, फेरिटीमा, हिरोडेनेरिया और नेरिस, इसको लीच बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच, इसको अर्थवॉर्म बोलते हैं और इसको नेरिस बोलते हैं, ठीक, ओके। ऑर्थ्रोपोडा में हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस ग्रुप में आते हैं, तो नॉर्मली ऑर्थ्रोपोडा, प्रॉन और ये सारी चीज़ें तो है ही हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्थ्रोपोडा कौन से हैं, तो ये तीन नाम याद रखने होंगे, 1, 2 एंड 3। उसी तरह से वेक्टर कौन कौन से हैं, तो मॉस्किटो में एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज, और अदरवाइज हाउस फ्लाई, अदरवाइज वॉट बच्चों, हाउस फ्लाई। ग्रीगेरियस में, ग्रीगेरियस में जो झुंड में रहते हैं, लोकस्ट, ठीक। और लिविंग फॉसिल किंग क्रैब के फॉर्म में आपको कौन सा याद रखना है, किंग क्रैब के फॉर्म में ल्यूमिनस, है ना, तो ये याद रखेंगे बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, इजीली। तो भाई सब इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इससे ज़्यादा आपको इसमें याद नहीं रखना। मोलस्का में देख लो आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मोलस्का में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पाइला, एप्पल स्नेल, पिक्टाडर, है ना, सेपिया, लॉलीगो और ऑक्टोपस, तो ये आपके पास एग्जाम्पल। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, कटल फिश का साइंटिफिक नेम बताओ, स्क्विड का साइंटिफिक नेम बताओ, ऐसे क्वेश्चन, डेविल फिश को बोलो, तो ये सब कुछ कॉमन भी हैं, कुछ टफ भी हैं। टस्क शेल, डेंटालियम, काइटॉन, है ना, तो चीज़ें याद रखेंगे आप, बस इससे ज़्यादा एग्जाम्पल आपको रटना ही नहीं। फ़ायदा ये होगा कि तुम एक शीट में इसको याद कर लोगे। इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल, एस्टेरियाज, स्टारफिश, इकाइनस, है ना, तो ये आपके पास कुछ नाम यहाँ पर हैं,
आपको याद रखना। हाँ, ये पूछ लेंगे कि सी लिली का कॉमन नेम मतलब साइंटिफिक नेम क्या हो गया, तो एंटीडॉन, ऑफ्यूरा, ब्रिटल स्टार। तो ऐसे क्वेश्चंस पर ज्यादा दिमाग लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस पर ज्यादा दिमाग लगाएंगे। तो यहां से दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, चार ऑप्शन देंगे, बोलेंगे इसमें से कौन सा इकाइनोडर्मेटा है। अदरवाइज क्या पूछेंगे कि एक कॉमन नेम देंगे सी लिली फॉर्म में, बोलेंगे किसको हम सी लिली बोलते हैं, या एंटीडॉन का कॉमन नेम क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, राइट, लाइक दैट, है ना। तो इस तरह से चीजों को तुमको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अगली बात करें हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में बच्चों सिर्फ दो एग्जांपल, बेलेनोग्लॉसिस जिसका कॉमन नेम क्या है टंग वॉर्म, और सैकोग्लॉसिस। सैकोग्लॉसिस दो एग्जांपल याद रखें। और यूरोकॉर्डेटा में बच्चों, हाँ जी, यूरोकॉर्डेटा में आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने एग्जांपल हैं, तीन, एसीडिया, सेल्पा और डॉलियोलम, ठीक है ना। क्या क्या, एसीडिया और साथ साथ में सेल्पा और डॉलियोलम, ये तीन नाम आपको यहां पर याद रखने, बस तीन नाम याद रखने किसमें, यूरोकॉर्डेटा, एग्जांपल ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस या फिर लैंसलेट, ये तीनों ही चीजें आपको याद रखनी है। तीन नाम, तीन के अलावा कोई एग्जांपल नहीं, तीन के नाम अलावा कोई एग्जांपल नहीं, ठीक। मैं चाहता तो इसको प्रॉपर डायग्राम के साथ में आपको दिखाता, ईयर लॉन्ग में ये चीजें करूंगा, प्लस कोर्सेज में ये सब चीजें हालांकि करूंगा, तुम्हें अभी टाइम की जरूरत है, तो दैट्स वाई मैंने इसको शॉर्ट रखा, बिल्कुल हैंड रिटन, सिंपल, सीधे रट डालो, सीधे रटना है। पेट्रोमाइजोन क्या बोला, लैम्प्रे, और मिक्सिन का कॉमन नेम के फॉर्म में आपको याद रखना है क्या, हैगफिश, क्या वर्ड यूज किया, हैगफिश के फॉर्म में आपको यहां पर याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोमेटा हो गया, कॉन्ड्रिक्थीज की बात कर रहे हैं, कार्टिलेजनस फिश, क्या कार्टिलेजनस फिश, स्कॉलियोडॉन, प्रिस्टिस सॉफिश कॉमन नेम बोल देते हैं, ग्रेट व्हाइट शार्क का साइंटिफिक नेम यहां पर क्या हो गया। तो आपसे पूछ लेंगे, है ना, कि इसमें से कौन सी कार्टिलेजनस फिश है, और उसमें साइंटिफिक नेम दे देंगे। तो साइंटिफिक नेम जब एनसीईआरटी में है ना, कार्केडॉन के फॉर्म में आपको है साइंटिफिक नेम, तो आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। ट्राइगॉन, स्टिंगरे और टॉर्पीडो आपको पता ही है, करंट लगाती है ना, करंट लगते हैं। इलेक्ट्रिक रे, डन। ऑस्टिक थीज में बच्चों मैराइन फिश की बात की जा रही है, और मैराइन फिश में भी ये फ्लाइंग फिश में आपको याद रखना है, सी हॉर्स भी याद रखना है कॉमन नेम में, साइंटिफिक नेम आप लोगों ने सबने पढ़ ही रखा है। फ्रेश वाटर में लैबियो रोहिता है, यहाँ पर रोहू जो बोलते हैं, कटला कटला है ना, क्लैरियस है, तो ये कुछ नाम याद रखने हैं। कुछ एक्वेरियम में यूज करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश आर यूज, या लाइक आप यूं समझ लो कि प्लेस्ड इन एक्वेरियम, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये एनसीईआरटी की लाइन थी, मैंने उठाकर यहाँ डाल दी, बेटला है ना, और यहाँ पर क्या, पेट्रोफिलम, एंजल फिश और फाइटिंग फिश, है ना, एंजल फिश और फाइटिंग फिश, ये दो नाम आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, दो नाम आपको स्पेशली डायरेक्टली याद रखने हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। एम्फीबियंस के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पैरेलल में, तो एम्फीबियन में टोड, फ्रॉग जो राना टिग्रीना बोलते हैं, हाइला जो ट्री फ्रॉग होता है, सेलमेंड्रा, एक थायोफीस, लिम्बलेस एम्फीबियंस, तो इसको स्टार लगा रहा हूँ, ये बार बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। है ना, हाँ बिल्कुल अंशुल, ऐसे ही पूछते हैं कई बार, पांच सात नाम दे देते हैं, तो तुमको ये नाम डायरेक्टली याद करने, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम बताऊँ क्या थी, तुम एक साथ नहीं याद कर पा रहे थे पूरी बुक के, तो मैं कंपाइल फॉर्म में लेकर आ गया, जो एटलीस्ट इलेवंथ के हैं वो लेकर आ गया, ठीक है, याद करके खत्म करो। रेप्टिलिया में यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेप्टिलिया की बातें कर रहा हूं बच्चों, चलो मुझे आंसर देना सारे बच्चे। अब यहां से तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं, ये जो चिलोनी किलोनी आप जो भी इसको वर्ड यूज करो, सॉरी, है ना, यहां पर, हाँ, इसको टर्टल बोलते हैं, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ टेस्ट्यूडो, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ टेस्ट्यूडो, इमीडिएटली खटाक से आंसर दो, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ टेस्ट्यूडो, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ टेस्ट्यूडो, आंसर इज व्हाट, सारे बच्चे ट्राई करें, मैं चाहता हूं ये टू वे बन जाए, काफी देर से सुन रहे हो, चलो, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, टॉर्टवाइज, दिस इज कॉल्ड एज टॉर्टवाइज। कैमिलियन का कॉमन नेम बताओ जल्दी से, नेक्स्ट, कैमिलियन का कॉमन नेम जल्दी से, कैमिलियन का कॉमन नेम है ट्री लिजर्ड, मैं लिख ही देता हूं तुम्हारे लिए कॉमन फॉर्म में। कैलोटीज की बात कर रहे हैं बच्चों, कैलोटीज किसका साइंटिफिक नेम है, गार्डन लिजर्ड, है ना,
जल्दी से स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। क्रोकोडाइलस तो सबको पता ही है, क्रोकोडाइल तो ऑलरेडी पता है तुमको। एलिगेटर सबको पता है, हाँ जी एलिगेटर पता है सबको। हेमीडेक्टाइलस का साइंटिफिक मतलब कॉमन नेम बताओ जल्दी से, हेमीडेक्टाइलस का कॉमन नेम बताओ। ये तो चलो तुमको पता है दोनों, हेमीडेक्टाइलस का साइंटिफिक कॉमन नेम बताएंगे सारे बच्चे। इट इज नो नो चंद्रमोहन गलत है। तो हेमीडेक्टाइलस का क्या हो गया, वॉल लिजर्ड, ठीक है। गार्डन लिजर्ड तो कैलोटिस होता है, वॉल लिजर्ड क्या है ये, एनसीईआरटी की ही बातें कर रहा हूं, एनसीईआरटी की बातें। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखो तुमको और तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, चलो अगला। यहां पर नाजा का कॉमन नेम बताएं, नाजा का कॉमन नेम, नाजा नाजा पूरा साइंटिफिक नेम है, इसका कॉमन नेम बताओ, नाजा नाजा। बाकी बच्चे ट्राई करो, नाजा नाजा कॉमन नेम, कुबरा, क्या कुबरा याद रखेंगे। बैंगरस का साइंटिफिक नेम कॉमन नेम बताएं, बैंगरस का कॉमन नेम बताओ, जस्ट तुम्हारी टेस्टिंग के लिए ऐसे लिखा तो सारा ही है, ठीक। बैंगरस का साइंटिफिक नेम वो कॉमन नेम बताएंगे, जल्दी से बताएं। हाँ जी बिल्कुल ठीक, क्रैथ है ना, वंडरफुल क्रैथ। और वाइपेरा का, वाइपेरा का कॉमन नेम बताओ जल्दी से, वाइपेरा का कॉमन नेम बताओ। ये एग्जांपल्स हैं जो तुमको याद होने चाहिए, ये एग्जांपल्स हैं जो तुमको याद होने चाहिए, जल्दी से बताओ। तो ये तो वाइपर है ही यार, वाइपर है, ठीक है चलो। और पाइथन, पाइथन है भाई साहब, पाइथन नॉन पॉइजनस भी क्यों ना हो, है ना, अपना आतंक मचा कर रखता है। चलो मुझे जरा एब्स में बताना, अगर तुमको सच में बर्ड्स के नाम याद हैं तो कॉर्वस किसका कॉमन, इसका कॉमन नेम क्या है, ये किसका साइंटिफिक नेम है। कॉर्वस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, कॉर्वस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, कॉर्वस की बात कर रहे हैं बच्चों, दिस दिस वन, जल्दी से। कॉमन कॉमन से नेम है, सिंपल सिंपल से नेम है, ट्राई करें सारे बच्चे। कॉर्वस यस, इट इज फॉर क्रो, है ना। कोलिम्बा का कॉमन नेम बताएं बच्चे, कोलिम्बा का कॉमन नेम बताएं। ये तुमको देखना है, ये तुम्हारी टेस्टिंग है कि तुमको याद है या नहीं याद है, राइट। तो इसको बोल रहे हैं क्या, पिजन, इसको बोल रहे हैं क्या, पिजन, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा साइटेक्यूला की बात कर रहे हैं, पी साइलेंट के फॉर्म में कर देंगे और साइटेक्यूला बोल रहे हैं इसको। साइटेक्यूला का इट इज पैरट, इट इज व्हाट, पैरट। इसका बता दो तो मजा आ जाए, दिस वन, इसको बता दो तो मैं जान लूं। स्ट्रुथियो, स्ट्रुथियो साइंटिफिक नेम है किसका, स्ट्रुथियो साइंटिफिक नेम बच्चों किसका है, जल्दी से बताएंगे स्ट्रुथियो। ये तुमको याद होना चाहिए, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हारे चार दिन तीन दिन बाद एग्जाम है, ये सब रटा होना चाहिए। और जो बच्चे इसको हल्के में ले रहे हैं अभी भी टाइम है बच्चे, आज आज में याद कर डालो, ठीक। स्ट्रुथियो, हाँ जी ऑस्ट्रिच, वेरी नाइस। पावोक्रिस्टेटस पूरा साइंटिफिक नेम है, पावोक्रिस्टेटस, पिकॉक है ना। गुल्लस, हाँ जी गुल्लस की बात कर रहे हैं, गुल्लस बहुत इंटरेस्टिंग, फाउल को बोलते हैं, गुल्लस की बात कर रहे हैं। ब्यूबो, हाँ जी ब्यूबो, बायोलॉजी इतनी अच्छी, इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आप किसी को साइंटिफिक नेम में भी गालियां दे सकते हो। उल्लू को बोलते हैं, है ना, ब्यूबो, ठीक। आउल, हाँ जी अगली बात। टेनोडिस है ना, टेनोडाइटिस की बात कर रहे हैं, तो ये किसकी बात है, पेंगुइन की बात करेंगे बच्चों, पेंगुइन की बात करेंगे, राइट। और न्यूफ्रॉन, न्यूफ्रॉन किसको बोल रहे हैं, न्यूफ्रॉन का कॉमन नेम बता दो तो मजा आ जाए, न्यूफ्रॉन का कॉमन नेम बता दो तो मजा आ जाए। ये सब तुमसे ही पूछ के लिखूंगा मैं, जल्दी से बताएंगे, मुझे तुम्हारे आंसर्स चाहिए। हाँ जी न्यूफ्रॉन का, न्यूफ्रॉन का कॉमन नेम बताओगे तो मजा आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल ठीक। वल्चर, वंडरफुल, ये रटा होना चाहिए, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुमको साइंटिफिक नेम से कॉमन नेम, कॉमन नेम से साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए। चलो मैमल्स में बता दो और मजा आएगा, मैमल्स में बता दो और मजा आएगा, ठीक है ना, मैमल्स की बात कर रहे हैं। चलो भाई ये किसका नाम है, प्लैटिपस, एक तो बता देता हूं तुमको, ठीक। वो नहीं आप लोगों ने पढ़ा डक बिल्ड प्लैटिपस,
मैक्रोपस कैंगरू, कैंगरू, टेरोपस किसका है ये बता दो, टेरोपस किसका होता है बच्चों ये ट्राई करो, ये बता दो टेरोपस, जल्दी से ट्राई करेंगे, आपके इवोल्यूशन वाले चैप्टर में है ये टेरोपस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, फ्लाइंग फॉक्स, वेरी नाइस, फ्लाइंग फॉक्स। कैमेलस की बात करें, किसकी, कैमेलस, कैमल, कैमेलस की बात करें, मकाका बंदर है ना, मकाका की बात करें, मंकी, ठीक, रैटस की बात कर रहे हैं, क्या, रैटस, सबको पता है रैट, कैनिस का मतलब सबको पता है क्या, डॉग है ना, फेलिस का मतलब सबको पता है, हाँ जी जल्दी से, कैट, एलिफस नाम से समझ में आ रहा है, एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है बच्चों। इक्वस किसका है, हॉर्स, इक्वस, इक्वस साइंटिफिक नेम है, हॉर्स। डॉल्फिनस, हाँ जी, तो जो डॉल्फिन है डेल्फिनस के फॉर्म में ना, कॉमन डॉल्फिन। हाँ जी ये दोनों बता दो तो मजा आ जाए, पैंथेरा टिग्रिस तो तुम्हें पता ही है, ये बता दो तो मजा आ जाए, ये बता दो तो मजा आ जाए, बेलेनियोप्टेरा, बेलेनियोप्टेरा ये किसका साइंटिफिक नेम है, बेलेनियोप्टेरा किसका साइंटिफिक नेम है, पैंथेरा टिग्रिस तो टाइगर का हो गया, ये लेपर्ड का हो गया, ये टाइगर का हो गया और ये लायन का हो गया, सॉरी ये लायन का हो गया, बेलेनियोप्टेरा किसका साइंटिफिक नेम है जल्दी से बताओ। वेरी नाइस, वंडरफुल, ब्लू व्हेल। तुमको लगता है क्या कि इससे बाहर कुछ आएगा एग्जाम्पल में, कुछ भी नहीं आएगा, डन हो गया जी, जो होना था हो लिया, ठीक। अगली बात करें, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अगली बात किसकी करें, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और यहां पर आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, बातें ये याद कर लोगे ना, ये सारी चीजें बच्चों, सारी चीजें याद कर लोगे बिना किसी कंफ्यूजन के, पक्की बात। तो चलो शुरू करते हैं चीजों को। एडवेंटिशियस रूट की बात आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है मैंने, है ना, ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियन ट्री की बात करें, बनियन ट्री की बात करें, तीन एग्जांपल्स हैं आज के एनसीईआरटी में। राइजोफोरा एक एग्जांपल दिया हुआ है ना, जो कि इसी का मॉडिफिकेशन फॉर्म में स्वैम्पी एरिया में ग्रो करता है, अंडरग्राउंड फूड स्टोरिंग स्टेम में पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कोलोकैजिया, है ना। तो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद रखनी है सिंपल लैंग्वेज में ना, सिंपल लैंग्वेज में कि ये कौन कौन से हैं, डन। अच्छा, स्टेम टेंड्रल का एग्जांपल, हाँ जी स्टेम टेंड्रल की एग्जांपल्स की बात करें, स्टेम टेंड्रल के एग्जांपल जल्दी से बताएं, तीन एग्जांपल बताओ स्टेम टेंड्रल में जो गॉड के फॉर्म में आते हैं, गॉड के फॉर्म में, जल्दी से बताओ अगर तुम्हें याद है, अगर एग्जांपल याद है तो स्टेम टेंड्रल के एग्जांपल्स। तो यहां पर कुकुम्बर, ठीक है मैंने फिल ऐसे छोड़ दिया, मैंने कहा आप उसी टाइम बच्चों से पूछ के भरेंगे, ठीक है। पंपकिन याद आ रहा है, एनसीईआरटी में है, और वाटरमेलन, वाटरमेलन, ये तीनों नाम याद होने चाहिए, गॉड बोलते हैं, और साथ में ग्रेप वाइन, इन सब में हमेशा स्टेम टेंड्रल होते हैं बच्चों, इन सब में हमेशा स्टेम टेंड्रल होते ही होते हैं, बातें याद रखेंगे। अच्छा जी अगली बात कर लें, थॉर्न के एग्जाम्पल में आपके पास एक सिट्रस है और एक बोगेनविलिया, इसमें हमेशा कांटे निकले होते हैं, वो भी स्टेम का मॉडिफिकेशन ना, किसकी बात कर रहे हैं, स्टेम के मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। फाइलोक्लैड के एग्जाम्पल में आपके पास ओपेंशिया और यूफोर्बिया है, क्या, ओपेंशिया और यूफोर्बिया, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ओपेंशिया और यूफोर्बिया, ठीक है ना, ओके। फाइलोक्लैड में आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई। अच्छा आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी स्टेम कैसी होती बच्चों, स्टेम ऑफ ओपेंशिया लुक्स लाइक, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है फ्लैट स्टेम, है ना, और जब आप इसकी बात करते हो सिलेंड्रिकल स्टेम, तो स्टेम फाइलोक्लैड सिलेंड्रिकल स्टेम फाउंड इन, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, फाइलोक्लैड सिलेंड्रिकल स्टेम फाउंड इन, तो आंसर क्या लिखना होगा, यूफोर्बिया, और फाइलोक्लैड फ्लैट स्टेम फाउंड इन, फ्लैट,
और पेंशिया, दोनों में डिफरेंस आ गया, दोनों में ही बच्चों डिफरेंस आ गया। प्लीज़ मेरी बात को समझना, ये आपके एनसीईआरटी की बातें हैं, कुछ भी बाहर की नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी की बात है। हैव पेशेंस, अच्छे से करो, पीडीएफ इसकी पूरी रट लेना अभी के अभी। स्टॉलोन की बात करें तो आपको पता है मिंट और जैस्मिन दो एग्जाम्पल हो गए, मिंट और जैस्मिन दो ही एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में, और कुछ है ही नहीं। ठीक, ऑफसेट के एग्जाम्पल बता दो तो मज़ा आ जाए, ऑफसेट के दो एग्जाम्पल बता दो तो मज़ा आ जाए। ऑफसेट, फर्स्ट ऑफसेट पूछूंगा, है ना, पहला ऑफसेट पूछूंगा फिर सकर पूछूंगा, पहला ऑफसेट और दूसरा सकर, दूसरा सकर। तो पहले ऑफसेट बता दो, तो ऑफसेट में आपके पास वंडरफुल पिस्टिया और कौन सा बच्चा है, आईकोर्निया, वेरी नाइस, पिस्टिया और आईकोर्निया, चंद्रमोहन ने एग्जैक्ट आंसर दिया, वंडरफुल बच्चे, बहुत अच्छे। सकर का एग्जाम्पल बताना, सकर का एग्जाम्पल, अच्छे है ना। तो सकर में एक तो आपका क्या आ जाएगा, बनाना, ठीक है, बनाना के साथ में पाइन एप्पल, बनाना के साथ में क्या, पाइन एप्पल, और एक और एग्जाम्पल दे रखा है क्राइजेंथेमम, है ना, क्राइजेंथेमम, वेट, क्राइजेंथेमम। बातें समझ में आ रही है, तो तीन एग्जाम्पल्स आपको यहां पर याद हो, तीन एग्जाम्पल्स डन, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लीफ के एग्जाम्पल्स में फाइलोटैक्सी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, लीफ में फाइलोटैक्सी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्टरनेट लीफ फाइलोटैक्सी किसमें मिलती है, तो एग्जाम्पल नंबर वन की बात करें, जल्दी से मुझे आंसर दें अल्टरनेट के एग्जाम्पल्स में, तो एक तो चाइना रोज है, चलो आपको हिंट मिल गया, चाइना रोज हो गया एक, दूसरा क्या हुआ बच्चे, दूसरा क्या हुआ, ट्राई करें, बिल्कुल इजी है, बहुत सिंपल है, चाइना रोज के अलावा, बहुत अच्छे है ना, जल्दी से ट्राई करें। मस्टर्ड आ गया, और तीसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, ट्राई करो, हाँ जी सनफ्लावर, बस तीन एग्जाम्पल, इसके अलावा कुछ नहीं, तीन एग्जाम्पल इसके अलावा कुछ भी नहीं, वेरी नाइस। तो चाइना रोज, विक्रम बिल्कुल ठीक बोल रहा है, सनफ्लावर और मस्टर्ड, तीन ही एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। अपोजिट के सिर्फ दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, अपोजिट के एक तो कैलोट्रोपिस और दूसरा गुआवा, दूसरा क्या, गुआवा। और वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल बता दो तो मजा आ जाएगा, अच्छा लगेगा कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। हाँ जी बच्चों, जल्दी से बताएंगे वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल, जल्दी से ट्राई करेंगे, एक ही एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में और याद करना तुमको, ट्राई करें कि गलत ना हो। तो यहां पर आंसर हो गया क्या, एल्स्टोनिया, ठीक है ना, एल्स्टोनिया, वंडरफुल, विक्रम के ठीक हैं, रुमकी के ठीक हैं, चंद्रमोहन बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में पूछ लेते हैं बच्चों, लीफ के मॉडिफिकेशन में पूछ लेते हैं सिंपल फॉर्म में, टेंड्रल किसमें मिलती है, टेंड्रल का एक एग्जाम्पल बताओ, जो कि लीफ से मॉडिफाइड टेंड्रल किसमें मिलती है, जल्दी से ट्राई करें, एक ही एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, आंसर क्या आ गया, पी। स्पाइंस में कौन सी लीफ कन्वर्ट हो जाती है, किस प्लांट में, किस प्लांट में, स्पाइंस में, कैक्टस में, ठीक है। फ्लैशी लीफ में कन्वर्ट कौन सी हो जाती है, आपको ऑलरेडी पता है, फ्लैशी लीफ, यस, जल्दी से, अनियन एंड गार्लिक, अनियन एंड गार्लिक, बातें समझ पा रहे, अनियन एंड गार्लिक। और इंसेक्टिवोरस प्लांट आपको ऑलरेडी पता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट में आप लोगों को दो एग्जाम्पल हैं बच्चों, दो एग्जाम्पल हैं, एक तो पिचर प्लांट, सबको पता है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चे, पिचर प्लांट के अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप, बहुत अच्छे ऑस्टिन, बहुत अच्छे बेटा, वीनस फ्लाई ट्रैप, डन, ये चीजें याद रखेंगे। नाउ स्टार्ट विथ फ्लावर, फ्लावर में मुझे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल दो जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल, कोई भी बच्चा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल, सारे बच्चे कोई भी दे दो, तीन एग्जाम्पल देने जो एनसीईआरटी में, तीन एग्जाम्पल, तीन में से चलो एक भी दे दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं आपके, इसमें ट्राई करें। चलो भाई, तो मस्टर्ड आपको याद रखना है,
मस्टर्ड के साथ में दतूरा, और दतूरा के साथ में चिली, दतूरा के साथ में व्हाट, चिली। तो मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ये सिर्फ तीन ही नाम याद रखने हैं आपको, ये सिर्फ तीन नाम आपको डायरेक्टली याद रखने हैं बच्चों, याद करना पड़ेगा, याद करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, सिंपल। जाइगोमॉर्फिक की बात करें बच्चों, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक का मतलब पता है ना सबको, बाइलेटरल। जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल बता दो जल्दी से बच्चों, अगर याद है तो, इसको टिक करना है, और ये जब तुम्हारी पूरी शीट है ये तुमको मिलेगी तो मजा ही आ जाएगा, ठीक। तो जाइगोमॉर्फिक में हमारे पास बिल्कुल ठीक पी है ना, दूसरा क्या, गुलमोहर, बच्चे आंसर दे रहे हैं, गुलमोहर, डन। गुलमोहर के अलावा यहां पर क्या, बीन और कैजिया। तो चार एग्जाम्पल आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए, पी, गुलमोहर, बीन और कैजिया, पी, गुलमोहर, बीन और कैजिया, चार एग्जाम्पल। ऐसे भी कुछ फ्लावर होते हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं, जिनको हम किसी भी प्लेन से कट ना कर पाए, ऐसे भी एग्जाम्पल। तो यहां पर आपको याद रखना है एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में दिया है एसिमेट्रिकल का, जल्दी से आंसर दो, आई एम वेटिंग, सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं यहां पर, एसिमेट्रिकल का एक एग्जाम्पल अगर याद है तो, अगर याद है तो। वंडरफुल चंद्रमोहन रुमकी, बहुत अच्छी बेटा, कैना, आंसर क्या हो गया, कैना, बस यही याद। हाइपोगाइनस का बताना बच्चे, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस के एक दो एग्जाम्पल कल मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था तो वो भी आपको याद होगा, हाइपोगाइनस का कोई एग्जाम्पल बता दो बच्चों जल्दी से, सिंपल है। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, बातें समझ में आ रही है, इनफैक्ट सारे ही हाइपोगाइनस हैं, फैबिएसी, लिलिएसी, और उसमें याद है सबको सिंपल फॉर्म में। पेरीगाइनस की बात करें बच्चों, पेरीगाइनस जल्दी से, तो फर्स्ट वन इज प्लम, दूसरा रोज और पीच। पेरीगाइनस के एग्जांपल्स याद हैं, तीन ही एग्जांपल हैं एनसीईआरटी में, इससे ज्यादा है ही नहीं, इससे ज्यादा बच्चों है ही नहीं, ठीक। और एपीगाइनस की जब मैं बात कर रहा हूं, किसकी, एपीगाइनस की जब मैं बात कर रहा हूं स्पेशली, तो आपको याद रखना है ग्वावा, कुकुम्बर है ना, और सनफ्लावर, और सनफ्लावर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतर, सारे बच्चे सिस्टमैटिक फॉर्म में चीजों को याद रखेंगे, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस आपको समझ में आ गया। एस्टिवेशन में जंप कर लेते हैं बच्चे, एस्टिवेशन सिंपल और इजी, एस्टिवेशन, वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन कहां पर मिलता है जल्दी से बता दो, वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन एग्जैक्टली कहां पर मिलते हैं, तो नाम याद रखना है कहां, कैलोट्रोपिस, ठीक, कैलोट्रोपिस याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट वन, ट्विस्टेड की बात करें तो चाइना रोज है ना, और लेडी फिंगर, जो भिंडी की बात करते हो आप लोग ना, लेडी फिंगर, ठीक, और साथ साथ में आपको कॉटन। तो एनसीईआरटी में आपको ये तीन नाम याद रखने हैं, किसमें, ट्विस्टेड के फॉर्म में, स्ट्रक्चर आपको पता ही होना चाहिए, डायग्राम बेस्ड मैंने ऑलरेडी करा ही रखा है, ठीक। अच्छा, एम्ब्रिकेट की बात कर ले बच्चों, एम्ब्रिकेट, तो एम्ब्रिकेट में कैजिया और गुलमोहर की बात करें ना, कैजिया और गुलमोहर, अगर चीजें टिप्स पर हैं तभी मजा आएगा, अगर टिप्स पर चीजें समझ में आ रही हैं तभी मजा आएगा, इसको याद करना पड़ेगा तुमको। वैक्सिलरी की बात करें, और आपको वैक्सिलरी में एक चीज बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझ में आनी चाहिए, कि वैक्सिलरी का दूसरा नाम बताना जल्दी से, वैक्सिलरी का दूसरा नाम स्पेशली कहां पर मिलते हैं ये, तो पैपिलेनिवेशियस फैमिली में ना, कहां पर मिलते हैं, ठीक। और इसके एग्जाम्पल में आपको पी और बीन, ठीक है,
तो वो एक ऐसी होती है, दो इधर साइड में होती है और एक इधर होती है, समझ रहे हो, और एक बड़ी होती है। तो उस तरह से आपको याद रखना पी और बीन वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन। चलो भाई जल्दी से बता दो फिर, जल्दी से बता दो अगली बात। एपीपेटलस का मतलब क्या है बच्चों? एपीपेटलस, इसका एग्जांपल कोई? तो जब स्टैमन और पेटल आपस में फ्यूज हो जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? एपीपेटलस। और इसका एग्जांपल में ब्रिंजल, इसका एग्जांपल क्या हो गया? ब्रिंजल। एपीफाइलस की बात करें तो, हाँ जी एपीफाइलस की बात करें, लिली है ना। तो स्टैमन जब पेरियांथ के साथ में फ्यूज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एपीफाइलस। डन। मोनो एडल्फस की बात करेंगे, मोनो एडल्फस एक ही है, एक डाई एडल्फस दो के ग्रुप में, एक ही ग्रुप है तो मोनो एडल्फस, जब स्टेम एक ही ग्रुप में है तो मोनो एडल्फस। एग्जाम्पल में चाइना रोज, चाइना रोज याद रखेंगे बच्चों। डाई एडल्फस की जब मैं बात करूं तो डाई एडल्फस, जल्दी से बताएं। पी पॉली एडल्फस का एग्जाम्पल तुम्हें बताना है, पॉली एडल्फस का एग्जाम्पल तुमको बताना है, ट्राई करो पॉली एडल्फस का एग्जाम्पल जल्दी से बताएं बच्चों, कोई भी एग्जाम्पल पॉली एडल्फस का जो भी आपको याद हो। पॉली 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 पूछ रहा हूं बच्चों, तुम लोग पी का आंसर दे रहे हो बार बार, वो तो डाई एडल्फस हो गया पी, पॉली का बताओ। ठीक है बिल्कुल ठीक है। सिट्रस एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है क्या? सिट्रस, ठीक, डन डन डन, इजी। कभी कभी स्टैमिन की जो लेंथ है वो वेरिएशंस होती हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे इस टाइप की चीजें, तो उसके दो एग्जांपल्स हैं, तो मैंने दो एरो लगा रखी वेरिएशंस के फॉर्म में। तो एक तो सेल्विनिया की बात कर रहे हैं, किसकी? ठीक है ना, सेल्विनिया। और दूसरा क्या? मस्टर्ड। वंडरफुल हर्षिता बेटा, बहुत अच्छे हर्षिता, विक्रम, हर्षिता, सुमित, शिवम है ना, काफी बच्चे, रुमकी, ओके। एपोकार्पस के दो एग्जांपल बताओ, एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही एग्जांपल हैं एपोकार्पस की, दो दो एग्जांपल एपोकार्पस के बच्चों, दो एग्जांपल जल्दी से जल्दी से। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, ये हमारी तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही है। एपोकार्पस, यस, लोटस एंड रोज, क्या वर्ड यूज किया? लोटस एंड रोज, वेरी इजी एंड सिंपल। और सिंकार्पस के दो एग्जांपल, मस्टर्ड एंड टोमेटो। मस्टर्ड एंड टोमेटो, वंडरफुल, बहुत ही अच्छे, डन। प्लेसेंटेशन की बात कर लें बच्चों, प्लेसेंटेशन मतलब उसके अंदर किस तरह के ओवरी वगैरह अरेंज्ड हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? प्लेसेंटेशन की बात की, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल है ना ऑन द प्लेसेंटा विद इन द ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। और इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बातें करें, सबसे पहले मार्जिनल का एक एग्जाम्पल दो, एक ही देना है पी। एग्जाइल का बताओ बच्चों, एग्जाइल का जल्दी से बताओ, याद करो, ट्राई करो है ना, अगर याद है तो। हाँ जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। टोमैटो, लेमन, एक और बताओ टोमेटो लेमन के अलावा, याद आ रहा है तुमको? चाइना रोज, क्या? चाइना रोज, एग्जाइल प्लेसेंटेशन। पेराइटल की बात करेंगे तो यहां पर आपको मस्टर्ड और आर्जिमोन, सिर्फ दो एग्जांपल। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमको स्टेबुलर फॉर्म में चीजें मिल गई एक ही शीट में तो तुम तो छा जाओ, मुझे पता है, मेरे साथ प्रॉब्लम ही यही थी, तुमने कभी इसको देखा ही नहीं इस तरह से। अगली बात कर रहे हैं बेसल, अगली बात कर रहे हैं किसकी? बेसल की बात कर रहे हैं सारे बच्चे। तो बेसल में एक तो सनफ्लावर और एक मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ये दोनों ही नाम याद कर लो, आपसे पूछ लिए जाते हैं। बहुत अच्छे सुमित, हर्षिता, विक्रम, अम्लान, काफी बच्चे अच्छा आंसर कर रहे हैं। तो एक भी एग्जाम्पल छूटना नहीं चाहिए, एग्जाम्पल रट जाना चाहिए, और मैं भी कोई एग्जाम्पल छोड़ नहीं रहा हूं, सारे एग्जाम्पल कर रहा हूं। एक है तो एक, दो है तो दो, चार है तो चार, दस है तो दस, ठीक, हर एग्जाम्पल को याद करेंगे बच्चों, हर एग्जाम्पल। फ्री सेंट्रल का कोई एग्जाम्पल बताओ, फ्री सेंट्रल,
फ्री सेंट्रल का कोई एग्जाम्पल, इनफैक्ट दो एग्जाम्पल बता दो, दो एग्जाम्पल ट्राई करो सारे बच्चे। गुड, अमलान ने आंसर ऑलरेडी दे दिया, गुड वेरी नाइस। तो यहां पर आप लोगों को एक तो डायंथस की बात करनी है और प्राइम रोज, है ना, और प्राइम रोज का साइंटिफिक नेम आप लोगों ने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, साइंटिफिक नेम बताएं जल्दी से। प्राइम रोज का साइंटिफिक नेम इवोल्यूशन चैप्टर में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं सारे बच्चे, है ना। चलो जी जल्दी से बच्चों, जल्दी से, हम लोगों ने पढ़ा था ना वो इवनिंग प्राइमरोज, है ना। चलो ठीक है, याद आया कुछ? हाँ, ऑयनोथेरा लैमार्कियाना, वंडरफुल। ड्रूप में हमारे पास मैंगो है ना, और कोकोनट है, ठीक है। अब मुझे एक आंसर देना, किस फ्रूट के अंदर फाइब्रस मोनोकार्प होते हैं, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, किस फ्रूट के अंदर फाइब्रस मेसोकार्प होते हैं, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, कोकोनट। आंसर इज व्हाट? फाइब्रस मेसोकार्प कोकोनट। नॉन स्पर्मिक सीड की बात करें बच्चों, नॉन स्पर्मिक सीड की बात करें, बहुत ही सिंपल इजी है ना, नॉन स्पर्मिक ऑर्किड्स। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की बात करें तो बच्चों क्या, ऑर्किड्स याद रखेंगे। और मेम्ब्रेनस सीड कोट के दो एग्जांपल है ना, जल्दी से बताएंगे। सीड कोट किसमें मेम्ब्रेनस होती है, सीड कोट किसमें मेम्ब्रेनस होती हैं, कोई भी बच्चा बता दे। यस ठीक है, सीरियल्स एंड मेज, सीरियल्स एंड मेज, बातों को समझना, सीरियल्स एंड मेज, वेरी सिंपल और इजी। और जल्दी से फैमिलीज में आ जाएं, क्या फैमिलीज में आ जाएं, तो पल्स के मुझे पांच एग्जांपल्स बताएं, पल्स के मुझे पांच एग्जांपल बताएं, पल्सेस। फैबिएसी में पल्सेस आती हैं, ग्राम्स आते हैं, है ना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ये सब चीजें आप लोगों को पता है। तो पल्सेस में क्या क्या आ गया, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग और सोयाबीन। एडिबल ऑयल का एग्जांपल बच्चों, एडिबल ऑयल में तो यहां पर आप सोयाबीन बोल सकते हो, ठीक है, और ग्राउंड नट बोल सकते हो, और ग्राउंड नट, बातें समझ रहे हो। डाइज में इंडिगो फेरा, डाई में क्या, इंडिगो फेरा। चीजें टिप्स पर याद होंगी तब काम बनेगा, अगर इस तरह से सच में याद हैं तब तो मजा आएगा बच्चों, ठीक। और अभी भी टाइम है, ये तो याद हो सकता है, कोई नया चैप्टर मत पढ़ो चलेगा, लेकिन ये जरूर याद करके जाओ। और ये नहीं किया तो सीधे सीधे 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे ही गवा बैठोगे, याद करके जाएंगे, ठीक। एटलीस्ट मेरी शीट को रट कर जाएंगे, मेरी शीट को रट कर जाएंगे प्रॉपर। फाइबर की बात कर लें बच्चों जल्दी से, फाइबर, सन हेम्प की बात करें ना, सन हेम्प की बात कर रहे। फॉडर में क्या, सेसबानिया है ना, और ट्राइफोलियम, डन। ऑर्नामेंटल में बताना भाई, ऑर्नामेंटल में बताना जल्दी से, कोई ट्यूलिप याद है ना, बहुत सुंदर सा व्हाइट व्हाइट से फॉर्म में होते हैं, तो हमने क्या बोला, या आप ल्यूपिन यहां पर कर लो और स्वीट पी यहां पर कर लो, ये दोनों याद रखेंगे, स्वीट पी है ना, ये याद कर लेंगे ना, ये याद कर लेंगे। और मेडिसिन में मैंने आपको कल ही पढ़ाया था मुलाठी के फॉर्म में ना, मुलाठी, तो इससे मेडिसिन वगैरह बनती है। सोलेनेसी में एग्जांपल बताएं, सिर्फ ये पांच एग्जांपल्स हैं सोलेनेसी के अंदर, ये पांच ही एग्जांपल्स हैं आपको याद रखने सोलेनेसी में बच्चों, ये सिर्फ पांच एग्जांपल्स आपको डायरेक्टली याद करने हैं, जल्दी से बताएंगे। फूड में यहां पर क्या, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो, और क्या, पोटैटो। स्पाइस में बताना, हाँ जी बच्चों, स्पाइस सोलेनेसी में स्पाइसेस कौन कौन सी हैं, नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है एक, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइंड हो तो तुमको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक है, अगर वो ज्वाइंड हो तो तुमको पीडीएफ मिल जाएगी, उसी में मैं भेजूंगा। स्पाइस की बात करें, चिली,
ठीक है, स्पाइस की बात करें चिली, मेडिसिन में बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना याद आ रहा है, बेलाडोना डिजीज में पढ़ा था हमने, और अश्वगंधा भी इसी में आता है बच्चे, अश्वगंधा, ये मैं इसको कट कर दूं, अश्वगंधा, डन, ये याद करेंगे इसको, बहुत अच्छे बच्चे खटाखट आंसर दे रहे हैं, हर्षिता चंद्रमोहन सारे बच्चे ना। यहां पर आपको टोबैको याद रखना है, धुएं उड़ाते हैं, फ्यूमिगेटरी है ना, ऑर्नामेंटल में यहां पर पिट्यूनिया आपको याद करना है, क्या पिट्यूनिया, वेरी इंपॉर्टेंट पिट्यूनिया, सिंपल। और लास्ट में लिलियेसी की बात करें तो हां यहां पर ट्यूलिप आ जाएगा बच्चों, यहां पर ट्यूलिप आ जाएगा, और साथ में ग्लोरियोसा, साथ में ग्लोरियोसा, ट्यूलिप और ग्लोरियोसा, ये दोनों ही याद रखेंगे, ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा, वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मेडिसिन वाइज एलोवेरा आपको पता है ना, एलोवेरा के फॉर्म में, वेजिटेबल में एस्पेरेगस, एस्पेरेगस याद है, और ये आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा था वो माइटोटिक पॉइजन के फॉर्म में कॉल्चिसिन है ना, कॉल्चिकम की बात हम यहां पर करेंगे, डन। मॉर्फो में इससे बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है बच्चों, मॉर्फो में इसके बाहर कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल की कंसेप्ट तो ही है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, बट जो रटने वाली चीज है, क्योंकि मॉर्फो कंप्लीटली रटने वाला चैप्टर है, तो ये जो मैं चैप्टर लेकर आया हूं ये आपके मेन डर थे, अगर ये जो 20 पेज याद कर लेगा बाकी तो उसकी मुट्ठी में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ये करके दिखाओ बाकी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। एनिमल टिश्यू में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं वो तुमसे करवाना चाह रहा था, एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं, एनाटॉमी में कुछ ऐसे एज इट इज एग्जाम्पल नहीं है, वहां कंसेप्ट ही कंसेप्ट है, खूब ढेर सारे कंसेप्ट हैं, ठीक, वहां एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, तो वो तुमको पढ़ने पड़ेंगे ना, जैसे सिंपल स्क्वैमस कहां पर मिलता है ट्राई करेंगे सारे बच्चे, हाँ जी बच्चे, सिंपल स्क्वैमस कहां पर मिलते हैं, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक, और साथ साथ में लंग्स की एल्वियोलाई, लंग्स की एल्वियोलाई, बातें समझ में आ रही हैं बच्चों। तुम लोगों ने ना मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है चैनल का, चैनल का नाम क्या है, नीट प्रो, नीट प्रो चैनल का नाम क्या है बच्चों, नीट प्रो, तो वहां पर मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ा रखा है, वहां पर मैंने रेस्पिरेशन पढ़ा रखा है बच्चों, बहुत से ऐसे चैप्टर, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ा रखी है, ऐसे बहुत चैप्टर करवा दिए, नीट प्रो यही डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां आप चैट कर रहे हो उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें तुमको चीजें मिल जाएंगी, तो वहां जाओ, उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो और उस चैनल में जाकर सर्च करो, मेरा अलग से वहां पर प्लेलिस्ट है नीट प्रो चैनल पर, सब कुछ मिल जाएगा तुमको, तो वहां जाकर चीजों को देखेंगे, सारा काम हो जाएगा तुम्हारा, राइट। क्यूबॉइडल कहां कहां पर मिलते हैं बच्चों, क्यूबॉइडल कहां कहां पर मिलते हैं जल्दी से बताएं सारे बच्चे, क्यूबॉइडल तो डक्ट में मिल रहे हैं ना, यहां पर डक्ट ऑफ ग्लैंड, ठीक है, डक्ट ऑफ ग्लैंड की बात कर रहे हैं, एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, पार्ट ऑफ व्हाट, नेफ्रॉन की बात करेंगे, इजी और सिंपल, वेरी इजी ना, वेरी वेरी इजी, कॉलुमिनर का इससे ज्यादा पढ़ते ही नहीं ना, हाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी में कहीं कहीं पर आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन अब तुम सब पढ़ लोगे, अब तुम ऑटोमेटिकली सब पढ़ लोगे, क्योंकि तुमको तरीका पता चल गया और मेन डर खत्म हो गया, ये 20 पेज से तुम्हारा मेन डर खत्म हो गया, राइट। कॉलुमिनर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो आपको ये चीज याद रखनी है, कॉलुमिनर लाइनिंग ऑफ, लाइनिंग ऑफ व्हाट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, वंडरफुल, बहुत अच्छे हर्षिता बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा, सिलिएटेड एपिथीलियम की बात करें तो बच्चों, सिलिएटेड की बात करें तो ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब ना,
ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब, बहुत ही सिंपल। यूनिसेलुलर की बात करें, ऐसे कौन से जगह है जहां पर यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम मिलते हैं, कौन से यूनिसेलुलर हैं और ग्लैंडुलर एपिथीलियम है कहां पर मिलते हैं, जल्दी से बताएं। तो गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कहां? गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, याद रखेंगे। मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम कहां पर मिलते हैं? हाँ जी, ये कहां पर मिल रहे हैं आपको, आपके जो भी बाकी सेल्स ग्लैंड्स हैं, जैसे सेलिवरी ग्लैंड, जैसे क्या सेलिवरी ग्लैंड, बहुत सिंपल, ठीक है ना। अच्छा, तुमसे अगर मैं पूछ लूं क्या क्या स्पेशली कंपाउंड एपिथीलियम कहां पर मिलते हैं, तो ये मैंने पांच एग्जांपल्स डैश लगा रखे, मतलब पांच एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से, बक्कल कैविटी में, है ना, बक्कल कैविटी की बात कर ली, फेरिंग्स की बात कर ली, इनर लाइनिंग ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, ऑफ डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है बच्चों, ये चीजें पता होनी चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए। साथ साथ में और भी क्या है यहां पर, पैंक्रियाटिक डक्ट, ये सब कुछ बच्चों, ये सब कुछ है ना, ये चीजें याद रखेंगे। कंपाउंड एपिथीलियम, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कहां मिल रहे हैं, नाम से समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने अलग से नहीं किया उसको। अब ये सेल चैप्टर में दो तीन चीजें आप लोगों से पूछ लेते हैं, इसलिए मैं उठाकर लेकर आ गया। मस्कुलर टिश्यू आप लोग कर लोगे, कॉकरोच में एग्जाम्पल्स नहीं है, वहां रटने वाली चीजें, तो रटने वाली चीजें नहीं लाया हूं, एग्जाम्पल्स लेकर आया हूं, टॉपिक का नाम समझो, ठीक। तो सेल्स में हमारे पास दो तीन चीजें पूछते हैं, जैसे कि, हाँ जी, स्मॉलेस्ट सेल की जब मैं बात करूं तो माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन में पीपीएलओ भी आ गया तो वो आप टिक कर सकते हैं। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो, हाँ जी, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये सब एग्जांपल्स हैं। लॉन्गेस्ट की बात करें तो नर्व सेल, ठीक है बच्चों। और क्रोमैटोफोर कहां पर मिलते हैं, सबको पता है क्रोमैटोफोर के फॉर्म में, हाँ जी, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, कंसेप्ट को समझेंगे, इंपॉर्टेंट। अब मुझे कुछ एग्जांपल्स जल्दी जल्दी बताएं, एसिडिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल बताओ जल्दी से बच्चों, एसिडिक अमाइनो एसिड के कुछ एग्जांपल्स बताओ, अगर याद हैं तो, अगर याद हैं सच में तो तभी मजा आएगा। एसिडिक अमाइनो एसिड के, तो जिसके आगे एसिड लगा है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ठीक। चलो भाई, बेसिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल्स में दो एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिए हैं बेसिक अमाइनो एसिड के फॉर्म में, दो एग्जांपल हैं, एक का नाम क्या है, लाइसिन आर्जिनिन, और न्यूट्रल अमाइनो एसिड के एग्जांपल में, न्यूट्रल अमाइनो एसिड के एग्जांपल में वैलिन। कितना इजी है, आसानी से याद कर लोगे। एरोमेटिक का एग्जांपल बताओ तो मजा आएगा, एरोमेटिक का एग्जांपल बताओ, एरोमेटिक का एग्जांपल बताएंगे सारे बच्चे, जिसके बाहर वो बेंजीन रिंग जैसा सा होता है, याद है? हाँ जी, यस। तो यहां पर आंसर नोट कर लेंगे, टायरोसिन, ठीक है, फिनाइल एलेनिन, ठीक, और ट्रिप्टोफैन, और क्या, ट्रिप्टोफैन। तो ये तीन एग्जांपल्स आपके पास हो गए, ऐसे सीधे एग्जांपल पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस, इस टाइप के, और जो आज जिसने कर लिया वो सबका, उसका सब कुछ हो गया, कुछ और टेंशन ही नहीं है। एसेंशियल अमीनो एसिड, वैसे तो भाई आपके पास 20 एसेंशियल 20 नॉन एसेंशियल, बट फिर भी आप लोगों को कुछ कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, है ना, वो आपको ऑलरेडी पता है, कौन सा, ए वी हिल, एम पी टी टी,
ऐसे करके याद कर लेंगे। इसके अलावा जो भी बचे वो नॉन एसेंशियल है, है ना। चीज़ें सिंपल फॉर्म में आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए। जो चीज़ हमारे डाइट में नहीं मिलती, मतलब अलग से हमारी बॉडी नहीं बनाती, अलग से हमें लेनी पड़ती हैं, जो डाइट के थ्रू उसको ये बोल रहे हैं, ठीक। और नॉन असेंशियल में आप लोगों को इसके अलावा जो भी 20 बचे, ठीक, इसमें वैलिन, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, है ना, लाइसिन, फिनाइलएलनिन, ये सारे ट्रिप्टोफैन वगैरह सब कुछ आ जाएंगे इसमें। और नॉन असेंशियल की बात करें बच्चों, जैसे ही तो ग्लाइसिन, है ना, एलनिन, जितने भी आ जाएंगे ऐसे ना, सेरिन, आर्जिनिन, ऐसे, और ये तो चार हैं, ऐसे छह और, ठीक। सिंपल फॉर्म में अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो वंडरफुल। अब मुझे जरा जल्दी से बता दो सिंपल लिपिड के दो एग्जांपल। तो एक एग्जांपल है आपके पास पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड, और एक एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, क्या वर्ड यूज किया, एराकिडोनिक एसिड, पामिटिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड, ये दो नाम याद रखने हैं। एंड छोटी सी बात आप लोगों के लिए, इसके पास 16 कार्बन होते हैं सबको पता है, और इसके पास 20 कार्बन होते हैं, ये दोनों ही बातें बच्चों प्लीज याद करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल लिपिड, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा पामिटिक एसिड 16 कार्बन कंपाउंड। ऐसा कोई पढ़ाता नहीं है, ये कुछ अलग ही है जो पढ़ा रहा हूं, लेकिन इतना अलग है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ध्यान ही नहीं देता। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सर ये तो हम थियरी में कर लेते हैं, तो बेटा भूल भी तो जाते हो एक साथ सब कुछ करने पर, पूरा चैप्टर करने पर भूल जाते हैं। तो ये जो तरीके हैं, इस तरीके से पढ़ो, बहुत फर्क पड़ेगा। और मैं पूरी प्लस क्लासेस में आपको इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, पूरी प्लस क्लासेस में। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये जब इंक्रीज हो प्राइस वाला, उससे पहले ही आप मेरा कोड यूज़ कर लो, कोड सबको पता है एटी सर, और प्लस पे आ जाओ, कोड सबको पता है एटी सर, और आपका 10% ऑफ हो जाएगा आपका। 80 सर कोड यूज करेंगे ना अनअकैडमी पर, कोड यूज करेंगे क्या 80 सर, आ जाओ जितना जल्दी आ पाओ, ठीक है ना। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे, यही सब कुछ प्लांट फिजियोलॉजी तुम्हारे टिप्स पर होगी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। उसके बाद जो जो टफ है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, ये वाले यूनिट्स मैं पहले उठाने वाला हूं। तो इस तरह से आपको ये चीजें करनी। नेक्स्ट वन इज व्हाट, सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल बताएंगे बच्चों, पामिटिक एसिड, हाँ जी, पामिटिक एसिड, स्टियरिक एसिड, बातें समझ पा रहे हैं, स्टियरिक एसिड, ये दोनों ही एग्जांपल आपको याद रखने, बातें समझ में आ रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं, यस और नो। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें, अनसैचुरेटेड, तो पहला कौन सा, एराकिडोनिक एसिड, है ना, एक और ऑलिक एसिड, सारे बच्चे, ठीक। ये दो नाम यहां पर, दो नाम वहां पर, ये दोनों ही याद रखेंगे, आपके सामने ही सब कुछ है, सब कुछ तुम्हारे सामने है, याद तुमको करना है। तुमको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, मेरे से नीट प्रॉपर क्लासेस ली हैं, तुमको मेरे बारे में पता है, और अगर पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लस लेने से बेहतर डिसीजन कुछ नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि तुम्हारे बायोलॉजी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम्हारे बायोलॉजी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेना चाहता हूँ बच्चों, देना तुमको पड़ेगा, है ना, वो जिम्मेदारी तुमको देनी पड़ेगी। जी सर, अब आपकी जिम्मेदारी, आप कैसे मुझे पढ़ाना चाह रहे, है ना। और एक चीज़ है, साथ में रहोगे तो साथ नहीं छोड़ूंगा, करना लेकिन तुमको, करना लेकिन तुमको है, मेहनत तुमको करनी है, तरीके मैं बताऊंगा, और इतने तरीके बताऊंगा कि तुम बहुत इंटरेस्ट से बायोलॉजी पढ़ते हुए चीज़ों को याद कर जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, आज तो चलो 3-4 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, तो तुम शायद थोड़ा सा प्रेशर में पढ़ रहे हो, इसको जब मैं मेन क्लास में पढ़ाता हूँ ना, ये तो एक सीरीज़ है, दो सीरीज़ है, ऐसे मेरे पास लाइक पूरे 38 चैप्टर्स की मोर देन 250 सीरीज़ हैं, जिससे बच्चे रटते ही रटते हैं, उस चीज़ को समझ कर भूलेंगे नहीं दोबारा, रट जाएगा दिमाग में। जब पूरी सीरीज़ एक साथ चलती है ना, तो अलग ही मज़ा आता है, बायोलॉजी से डर खत्म हो जाता है रटने वाला, इतना लंबा याद कैसे करें। और जब बायोलॉजी में बच्चे जिस दिन 320 आने लगे ना, उस दिन समझो मामला बढ़िया चल रहा है, है ना, गजब का चल रहा है मामला, ठीक है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम 320 को 330 करो, 340 करो, 350 करो,
मिनिमम 330 की तो गारंटी लेता हूं अगर सिस्टम से चलोगे तो। एक छोटी सी चीज, सिस्टम से, सिस्टम मतलब वही दो चीजें करना तुमको है। एक क्वेश्चन पूछा है, कंपाउंड लिपिड के एग्जांपल्स बताएं, डिराइव्ड लिपिड के एग्जांपल बताएं, एग्जांपल पूछ लेते हैं। और आज का सीरीज ही एग्जांपल पर है, बस थोड़ी देर में तुम्हारा फिनिश करके ये पीडीएफ भेज दूंगा, बाकी के तुम चीजें कर सकते हो क्योंकि बाकी में ज्यादा एग्जांपल्स नहीं, जो थे मेन एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को करा दिए। कंपाउंड लिपिड की बात करें बच्चों, यहां पर तो यहां पर फॉस्फोलिपिड दो चीजों से मिलकर बने ना, फॉस्फोलिपिड और इसके एग्जांपल में लेसिथिन, लेसिथिन, बातें समझ में आ रही, लेसिथिन। डिराइव्ड लिपिड की बात कर रहे हैं बच्चों, डिराइव्ड लिपिड की बात करें तो यहां पर एक एग्जांपल आपको याद रखना है, कोलेस्टेरॉल, मोस्ट डेकोरेटेड मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ बायोलॉजी इज कोलेस्ट्रॉल, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो एग्जांपल याद रखें, कोलेस्ट्रॉल, प्यूरिन सबको पता है जी, हाँ जी प्यूरिन सबको पता है, ए जी एडेनिन ग्वानिन ए एन जी, ठीक है दो ये वाले, और इसमें इसमें सी टी और यूरासिल भी इसी में आ जाएगा, इजी। ये बताना तो मजा आएगा, ये बताओ फिर मजा आएगा, मजा आएगा ना, बताओ बताओ, दिमाग लगाओ सारे बच्चे, ट्राई करें। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, हाँ जी बच्चों, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, बायोलॉजी को पढ़ाने के और बायोलॉजी को रटाने के मेरे जो तरीके हैं उससे आपकी एनसीईआरटी की लाइन छूटेगी नहीं, पहली बात। और एनसीईआरटी की लाइन आपको समझ में आ गई तो फिर भूलेगा नहीं, और जब आप प्रिसाइज पढ़ते हो तो टाइम कम लगता है, और टाइम कम लगता है तो बाकी टाइम आप फिजिक्स केमिस्ट्री पर ले लेते हो, तो ऑटोमेटिकली बायोलॉजी के नंबर आ गए, टाइम बच गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ गया, उस तरह से कॉम्बिनेशन बना और आपकी पढ़ाई हो रही। तो ये तो तुमको करना पड़ेगा बेटा ना, है ना। तुमको अगर पढ़ाई समझ में आ रही, बात खत्म, कुछ इसके अलावा सोचना ही नहीं, सीधे कोड यूज करें, रेफरल कोड यूज करें, ऑफ भी मिल जाएगा 10% और पढ़ाई के लिए आ जाए। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, कोलाजिन, वंडरफुल, कोलाजिन की बात करें, है ना, कोलाजिन ई एन, है ना। इसमें रुबिस्को, राबुलोज बिसफॉस्फेट, है ना, और कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो मोस्ट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पूरी दुनिया में जो प्रोटीन है वो क्या है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के एक दो एग्जांपल्स बता दो, एक दो एग्जांपल्स बता दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, कोई भी एग्जांपल जो भी आपको याद हो बच्चों। तो यस, एक तो केराटिन लिख लो, आपके जो बाल में मिलता है केराटिन, ठीक, और एक क्या, फाइब्रोइन, इसको आप सिल्क फाइबर भी बोलते हो, फाइब्रोइन को क्या बोलते हो, सिल्क फाइबर भी बोलते हो आप लोग बच्चों, याद रखेंगे इसको, ठीक। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका कोई एग्जांपल अगर आपको याद हो टर्शरी स्ट्रक्चर में, तो हीमोग्लोबिन आप यहां नोट कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन तो एटलीस्ट याद ही कर लें, इसको छोड़ दें, है ना। तो लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज भी होते हैं, बट हाँ आपको इसको याद रखना है, या आप ये हीमोग्लोबिन, सॉरी सॉरी, ये क्वार्टरनरी की बात आ गई ना, तो यहां पर हीमोग्लोबिन आ गया। और जब टर्शरी की बात करें तो आप मायोग्लोबिन याद कर लें, मायोग्लोबिन और जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, यस नाउ इट इज ओके, है ना, नाउ इट इज ओके, डन, इजी। क्वार्टरनरी हीमोग्लोबिन, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, दो एग्जांपल, क्योंकि ये मोर देन वन सब यूनिट से बनते हैं, राइट। और पूरा एकदम 3D स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में लाइन है, 3D स्ट्रक्चर बनाता है, 3D स्ट्रक्चर, होमोपॉलीसेक्राइड बच्चों, होमोपॉलीसेक्राइड के कुछ एग्जांपल्स बता दो, मजा आ जाए। तो स्टार्च, ठीक, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज की बात कर ली, ग्लाइकोजन की बात कर ली, ठीक है, इंसुलिन की बात कर ली, डन, और काइटिन की बात कर ली। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करें, कौन कौन से प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, तो आप सबको ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें डायरेक्ट यूज होती हैं किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में, उसको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, राइट। तो मेटाबोलाइट टिप्स पर पता हो आपको, जैसे कि आपके अमाइनो एसिड्स, जैसे कि आपके क्या, शुगर, ठीक, जैसे कि आपको न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि आपके लिपिड्स, है ना, जैसे कि आपके विटामिन्स,
ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में टिप्स पर। और ये आज का जो लास्ट है, और ये आपके नीट में भी आया था लास्ट ईयर, है ना, नीट में भी आया था। पिगमेंट्स के दो एग्जांपल, कैरेटिनॉइड है ना, और एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। एल्कलॉइड की बात करें तो मॉर्फिन्स, ठीक, और कोडेंस, मॉर्फिन्स और कोडेंस, यहां पर स्पेक्ट्रा दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। टर्पिनॉइड का एग्जांपल बच्चों, टर्पिनॉइड का कोई एग्जांपल अगर तुम्हें याद हो तो मोनो टर्पिनॉइड्स और डाई टर्पिनॉइड्स, है ना, तो मोनो और डाई के फॉर्म में याद रखेंगे, मोनो एंड डाई टर्पिनॉइड्स। एसेंशियल ऑयल में आपको लेमन ग्रास ऑयल, है ना, लेमन ग्रास ऑयल, कोई कंफ्यूजन नहीं। टॉक्सिन्स की बात कर रहे हैं बच्चों, क्या टॉक्सिन्स कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है एब्रिन एंड रिशिन। आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लें बच्चों, आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लें एब्रिन इज अ, तो आपको पता होना चाहिए कि वो टॉक्सिन है। एब्रिन एग्जैक्टली क्या है, तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि वो टॉक्सिन है, समझ रहे हो ना। या रिशिन की बात कर लें तो वो टॉक्सिन है एक तरह का, तो वो आपको पता होना चाहिए, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि इसको याद कर लो। अच्छा, तुमको पता है 9 बजे मैं आप लोगों को इसी तरह से जैसे ये करवाया है वैसे एनसीईआरटी में जितने न्यूमेरिकल्स हैं उनके कुछ कुछ सैंपल्स आप लोगों को करवाने वाला हूँ, समझ रहे हो ना। तो एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल्स हैं 9 PM अभी, एक घंटे बाद, रुकूंगा नहीं, सिर्फ तुम्हारे नीट 2020 के लिए। तो ट्राई करो कि सारे बच्चे आ जाओ एक बार, क्विक फॉर्म में उसको भी देख लो, तो जितने बच्चे आए थे उनका फायदा ही हुआ है, राइट। लेक्टिन्स में, हाँ जी, बहुत ही सिंपल, लेक्टिन्स की बात कर रहे हैं, कॉनकेवे, ये कॉनकेवेना, ये विलिन की बात कर रहे हैं, बड़ा सा नाम है थोड़ा सा, कॉनकेवेना वैलिन, है ना, कॉनकेवेना वैलिन ए, ये नाम याद कर लेंगे, ये नाम याद कर लेंगे। ड्रग्स में आपको विन ब्लास्टिन, विन ब्लास्टिन याद करना है बच्चों, राइट। न्यूमेरिकल्स 9 o'clock, 9 PM अभी रात में, एक घंटे बाद, विन ब्लास्टिन, और कुरक्यूमिन भी है इसी में, कुरक्यूमिन, दो आपके ड्रग्स दे रखे हैं। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम, कुछ भी लगा लो इसमें ना, रबर है, गम है, सेलुलोज है, तो ये चीज़ें आपको टिप्स पर पता होनी चाहिए बच्चों, ये चीज़ें आपको टिप्स पर पता होनी चाहिए, तब जाकर मज़ा आता है। बातें मेरी समझ रहे हो, बातें मेरी सिंपल फॉर्म में समझ पा रहे हो, यस और नो, हाँ या ना, मेरी बातें सिंपल फॉर्म में आप समझ पा रहे हो, जो मैंने बताना चाहा आज, किस किस बच्चे को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी अगर ये एक बार अच्छे से कर लिया, तो कौन कौन सा बच्चा है जिसको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी इन पूरी चीज़ों से, कौन सा बच्चा है प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ, है ना, ताकि मैं इसकी PDF आज इतना ही रखेंगे, इसकी पूरी PDF मैं एक बार भेज देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना, पूरी की पूरी PDF आपको यहाँ पर डायरेक्टली भेज देता हूँ, राइट। सो फाइनली हम लोग जो यहाँ पर देखना चाह रहे हैं स्पेशली, राइट, आज इतना ही रखते हैं इसको सिंपल फॉर्म में, और मुझे लगता है इट इज़ मोर देन सफिशियंट कि एटलीस्ट ये 20 पेज 22 पेज आप अच्छे से याद कर लोगे, है ना। PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको चीज़ें दे रखी हैं, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो नीट प्रो चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरी अभी न्यूमेरिकल की क्लास चलेगी 9 o'clock मेरी न्यूमेरिकल की क्लास चलेंगी, उसमें बायोलॉजी के न्यूमेरिकल्स, यस बायोलॉजी के न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे फर्स्ट थिंग। कोड मेरा आपको ऑलरेडी पता है, अगर आप मेरे साथ प्लस में मेरे तरीके से पढ़ना चाहते हो, ठीक, कोड यूज़ करेंगे वन थिंग, और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अन अकेडमी नीट प्रो का, वहाँ पर आपको PDF मिलेंगे, राइट। तो कितने बच्चे हैं जिनको चीज़ें अच्छे से समझ में आई और थोड़ी सी हेल्प हो गई, कितने परसेंट हेल्प हो जाएगी इस PDF से, बस ये बता दो, फिर 9 बजे दोबारा मिलते हैं एक घंटे बाद। कितने बच्चों को इससे थोड़ी बहुत, कितने परसेंट हेल्प हो जाएगी, 1%, 0.1%, परसेंटेज वाइज, चलो एक ऐसी क्वेश्चन, रुमकी बता बेटा क्या डाउट है, क्या डाउट है बच्चे, चलो काफी हेल्प हो जाएगी ना तुम्हारी, बता बेटा क्या डाउट है और कुछ। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, और ये जो मेन चैप्टर्स थे मैंने उठाकर उनको कंपाइल कर दिया, और ये याद हो गया तो बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, एक जगह आपको कंपाइलेशन मिल गई ना।
चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। जो भी डाउट होगा एक बार 9 o'clock में दोबारा से पूछ लेना, ठीक। एक घंटे बाद मिलते हैं, एक घंटे बाद मिलते हैं। बाय। पढ़ते रहो बच्चों ना, इस बार सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बाय।